रिलैक्स हो जाओ। हाँ, इस वक्त हम दोनों ही गुस्से में हैं, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, दूर रहो मुझसे। अरे साहब, अरे साहब, आपने देवेंद्र सर की गाड़ी निकालने के लिए कहा था ना? हाँ कमाल उस्ताद, गाड़ी खींचने के लिए हम जंजीर लगाने वाले थे, लेकिन उस वक्त मैंने ये देखा कि गाड़ी के कुछ नट बोल्ट हाथ से निकाले गए हैं, यहाँ तक के एक दो नट बोल्ट जमीन पर अभी भी पड़े हैं। उस्ताद, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि किसी ने गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की है और टूटा हुआ टुकड़ा इस वक्त मौजूद नहीं है, मतलब एक्सीडेंट की जगह पर नहीं गिरा है, उसे बाद में निकाला गया है और ये काम बहुत ही सफाई से हुआ है। ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता सर। एक्सीडेंट नहीं हो सकता? अगर सही बताऊं तो मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये किसी की साजिश लगती है मुझे। एक मिनट, आपको यकीन है ना जो आप कह रहे हैं वो सच है? जी डेनिस साहब, किसी ने इस कार के साथ छेड़छाड़ की है। कसम से मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ये यार, कौन हो सकता है ये? मेरे बच्चे को गिरा दिया। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो क्या? कैसे कर सकती हो तुम ये, कैसे कर सकती हो? हेलो नाजी, यहाँ सब कुछ बहुत खराब हो रहा है। क्या हुआ बुलूत, तुम ठीक हो ना? डायमंड आंटी और हक्का अंकल लड़ रहे हैं। मैं अपने रूम में छुप गया हूँ, आप जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाइए। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं जो कहूँ तुम वही करना, ओके? समझ गए? प्लीज ऐसे मत करो। मुझे सकून मत सुनाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो ये सब, बताओ, जवाब दो मुझे। आकान बहुत डर गई थी, माँ बनने से तैयार नहीं थी मैं बच्चे के लिए। तुम्हें मार डालूंगा, तुमने मेरा बच्चा मार दिया और मैं सुकून से बात करूं? तुम इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले सकती हो, बताओ मुझे? मुझे खबर भी नहीं हुई। इस हादसे का पीछा करो, अभी केस फाइल करो, या फिर जो भी जरूरी हो वो करो, जल्दी अपडेट चाहिए मुझे। तुम जा कहां रहे हो? हक्कान की तरफ, मैं जाकर उसकी खबर लेता हूं। तुम्हें यकीन है कि उसी ने किया है ये? और कौन करेगा डेनिस, हाँ? और उसके सिवा ये कौन कर सकता है काम? इस काम में जरूर उसका हाथ है, मैं अभी जाकर उसके हाथ तोड़ दूंगा। यार डेनिस, फोन उठाओ प्लीज। चलिए मैं आपको रास्ता बताती हूँ। मेरी जान, मुझे सच में बहुत अफसोस है।
वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें माँ बनने का इतना शौक है। मैं अपने अबॉर्शन कराने की तुमसे माफी मांगती हूँ। क्या कह रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहो माफी मांग रही हो मेरा बच्चा मारने के बाद? पागल हो तुम? क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मुझे बच्चे का कितना शौक है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? पागलों की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, तुम पे जान निसार करता हूँ मैं। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? अब तुमसे नफरत करता हूँ। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ। समझी तुम? हाँ समझी। भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। तुम लोग कहाँ से आ गए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम लोग बीच में मत आना। तुम ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? कुछ नहीं। डेनिस, तुम्हारी बहन ठीक है। हमारे घर का मामला है, तुम अपना काम करो। क्या घर का मामला है? क्या घर का मामला लगा रखा है? हम यहाँ पर एक मसले के लिए आए हैं कान। जो भी है फरीद साहब, इस वक्त आप लोग यहाँ से जाएं, बाद में बात करेंगे। हाकान खामोश हो जाओ। डेनिस मेरा दिमाग खराब मत करो, ये मेरे घर का मामला है। निकलो यहाँ से, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। हकान, पहले तुम मुझे हिसाब दोगे। फरीद साहब तुम होते कौन हो मेरा हिसाब लेने वाले? दो मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मुझे भी मार दोगे क्या? बोलो। बहुत गलत कर रहे हो। मुझसे झूठ मत बोलो हकान। मैं जानता हूँ कि जमीर का एक्सीडेंट तुमने प्लान किया था। जमीर और जैनब को तुमने मारा है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा, पागल हो गए हो तुम? फरीद कंट्रोल करो, कंट्रोल करो अपने को। फरीद कंट्रोल करो। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है हकान। तुम्हें इन सारी चीजों का हिसाब देना होगा। तुम सीधा जेल जाओगे हकान। तुम लोग पागल हो गए हो, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम जितना मर्जी झूठ बोल लो, तुम सजा से नहीं बच पाओगे हकान। डेनिस इसको हटा दो यहाँ से पीछे। ठीक है फरीद, ठीक है फरीद, सबर करो फरीद। हकान ये तुमने क्या किया? बोलो, पागल हो गया। सबर करो, उसको कुछ बोलने तो दो। बोलेगा तो पता चलेगा ना क्या है सीन सारा। चलो चलो चलो, सबर करो, तुम सबर करो, आराम से सुकून से हो जाओ। डेनिस तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम भी उसी की तरह सोच रहे हो। तुम्हें भी लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम्हारे दिमाग में भी इसने ये सब डाल दिया और तुमने मान ली है इसकी बातें? कंपनी के एक मैकेनिक ने सब कुछ बता दिया है कि ये पूरी गाड़ी तोड़ने की कोशिश की गई है। उसने सब कुछ बता दिया। अगर ये बात सच निकली तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं, याद रखना। डेनिस तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे घर आते हो तुम, जब तुम्हारा दिल करता है तुम आ जाते हो। उस बेवकूफ के साथ मेरी बीवी के सामने मार रहे हो तुम लोग मुझे, और इतनी बेशर्मी से, और ऊपर से तुम लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पे। उस कार ने कितनी पलटी खाई जानते हो तुम? हाँ, एक पुर्जे की बात कर रहे हो तुम। एक पुर्जा नहीं था वो, कौन सा पुर्जा? चुप हो जाओ हकान। मैं जानता हूँ उस काम के पीछे तुम्हारा हाथ है। कंपनी के शेयर्स के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हारा प्लान था, बल्कि तुम दोनों का प्लान था ये। सुन रहे हो तुम मेरी बात? जरा इसकी बात सुनो। फरीद तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं अपने सगे भाई को मारूंगी? तुम्हें मैं इतनी गिरी हुई इंसान लगती हूँ? बुलूत कहाँ है? अपने रूम में है वो। मैं आ चुकी हूँ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। हाँ
बदले में खुश होंगे तुम आई हो। तुम कहो और मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? मामू चाचू आपने मुझे सरप्राइज दिया है क्या? हाँ सरप्राइज दिया है आपको। बुलुत मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ पे? जहाँ बोलो। हाँ आपके घर चले क्या? देखें फिर नाजली भी जाएगी, तुम आओगी ना नाजली? आऊंगी। चलो चलते हैं फिर, गले लग जाओ मेरे, ट्रेन चलने लगी है। क्या हो रहा है यहाँ? हम जा रहे हैं। कहाँ? मैं आप लोगों का बाहर इंतजार कर रही हूँ। बुलुत अब इस घर में नहीं रहेगा, वो आदमी एक कातिल है और मुझे ये मंजूर नहीं। फरीद ये गलत फहमी है, हकान ऐसा नहीं कर सकता। मैं सब कुछ साबित कर दूंगा, फिर तुम देख लोगी ये आदमी कौन है। अरे बिग बॉस कहाँ चले? बुलुत मेरे साथ रहेगा, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता वो वहीं रहेगा। तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं है। मैंने कह दिया ये मेरे पास रहेगा। हकान लगता है तुम्हें नहीं पता ये मसला कितना संजीदा है। डेनिस तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मेरा कोई गुनाह नहीं है। तुम्हारे गुनाह इतने सारे और इतने बड़े हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम एक बदमाश इंसान निकले हो, इस काम में मेरा कोई हाथ नहीं है, देख लूंगा। देख लेते हैं, सब्र करो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, कसम से बहुत बड़ी गलती। मेरी बहन तुम ठीक तो हो ना? मेरे लिए थोड़ी देर रुक सकते हो? रुक जाओ। आप लोग जाओ मैं आता हूं। फरीद क्या हो रहा है ये? उस एक्सीडेंट में, मेरा मतलब दैमिर और जैनब के एक्सीडेंट में। मुझे लगता है कि हक्कान का हाथ है। किसी ने हादसे से पहले कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। बाद में बताऊंगा, अभी चलते हैं। लीजिए आपकी कॉफी आ गई। लेकिन हमने तो चाय का ऑर्डर दिया था। चाय? हाँ अच्छा मुझसे गलती हो गई होगी, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय तैयार है लड़कियों, मजे से पियो आप लोग। मैं आप लोगों का हाथ भी देख देती लेकिन दरअसल फरीद साहब है ना, उन्होंने थोड़ा मना किया हुआ है कि ये सब हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी, इसलिए माजरत है, फिर कभी देख दूंगी। आप लोग आराम से बैठ के एंजॉय करें। आसुमान ये
क्या कर रही है पतोश यार, सारी कॉफी गिर जाती मुझ पर। इतनी मासूम हो यार तुम, कैसे डर गई, बहुत बोली हो तुम। क्या कर रही थी तुम फोन पर, जरा बताओ मुझे। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस एक दोस्त को सरप्राइज दिया है, उसी की रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में कॉल आ जाएगी। कैसा सरप्राइज है? नहीं बस ऐसे ही, बस अपनी और उसकी कोई पुरानी तस्वीर निकलवाई है, वही भेजनी है मुझे उसको। तो हाथ में ये पकड़ के क्यों खड़ी हुई हो? यार उन्होंने मुझसे चाय मंगवाई थी लेकिन मैं उनके लिए कॉफी ले गई, बहुत बुरा हुआ, ठीक से ऑर्डर लेना चाहिए था। अब इनका क्या करोगी तुम? तो हम ये मिलकर पी लेते हैं ना। चलो हाँ। तो ये है तुम्हारी कॉफी। हाय बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे कितना थक गई हूँ यार मैं, अल्लाह मेरा पाँव भी ना टेढ़ा हो गया बिल्कुल। तुम जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करके अकल लड़ाया करो, फिर कभी नहीं थकोगी। चलो भाई इनकी तो नसीहतें शुरू हो गई हैं फौरन। एंगिन के गिफ्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, 50,000 लीरा का है वो। उस आदमी ने तुम्हें इतना महंगा तोहफा दिया और तुम उसे वापस करा यार, मुझे तो तुम एक दिन पागल कर दोगी बिल्कुल। आसुमन तुम पागल हो चुकी हो या सिर्फ पागल बनने की एक्टिंग करती रहती हो हर वक्त? बात सुनो मेरी, ये मौजू खत्म हो चुका है, अब इस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बता देती हूँ। फतोश असल में हमें उसका डुप्लीकेट ढूंढना चाहिए था। क्या? और फिर उसके बाद ओरिजिनल खुद रख लेते और डुप्लीकेट एंगिन को दे देते और फिर उसके बाद उसे बेचकर खूब मजे करते। यार आसुमन तुम्हारा दिमाग ना हर वक्त उल्टी सीधी बातों में चलता रहता है, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी, पागल होती। हाय फतोश, फिर हम अपने ऊपर वाली मंजिल के टेरेस वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते या कार ले लेते कोई, या फिर मैं अपनी फेवरेट बाइक खरीद लेती। हेलो लड़कियों। मनामी आ जाओ तुम भी हमारे साथ बैठो, यहाँ पर बैठ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नाजली अचानक से चली गई, बुलत ने बुलाया था, मुझे ठीक से तो नहीं पता लेकिन दैमित के घर में कोई झगड़ा चल रहा था, आपस में लड़ रहे थे, बुलत को अकेला नहीं छोड़ेगी इसलिए लेट आएगी। ओ अच्छा, लड़ाई झगड़ा हो रहा था वहाँ, खैरियत होगी इंशाल्लाह। वो मेरा मतलब था कि हकान और दैमित बहुत एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके बीच लड़ाई होना बड़ी अजीब बात है। चलो अल्लाह खैर करे। हाँ हाँ सही है, देख लेंगे। चलो आसुमान चलो चलो काम पे चलो। जरा देखो तो, इनका राज चल रहा है, जैसे बदमाश हैं ये लोग, एक से बढ़कर एक हैं सब के सब। हाल तो देखो देखो डेनिस, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस मुक्के का हिसाब मैं फरीद से लूंगा अब। हाकान मेरे ख्याल से हिसाब देने की जरूरत तुम्हें है, समझे? अच्छा क्यों, किस बात का हिसाब दूं मैं तुम्हें? मेरे ही घर में आके मुझे ही कातिल ठहरा रहे हो तुम, कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? है कोई? फरीद असलान नामी शख्स, हर चीज को डिटेल में देखने पढ़ने वाला आदमी, उस एक उस दो टके के मिस्त्री की बातों में आकर मुझे कातिल ठहरा दिया उसने, कोई सबूत है तुम्हारे पास? समझ नहीं पा रहा मैं, कोई भी सबूत नहीं है, शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। हाकान हाकान मेरी बात सुनो, तुम कसम खा सकते हो कि हादसे में तुम्हारा हाथ नहीं है? अपनी इज्जत और जो कुछ पियो सबके लिए कसम खा सकते हो? कसम खाओ दैमित मैडम, थोड़ी देर पहले तुमने मुझे हिसाब देना था और अब तुम मुझसे हिसाब ले रही हो, ये दोनों बातें अलग अलग। वो अलग बात है। हाकान, जब हम लोग आए थे तो क्या चल रहा था तुम दोनों के दरमियान, क्यों मार रहे थे तुम मेरी बहन को? हाँ बस एक छोटा सा मसला था। तुम्हारी नजर में होगा छोटा सा मसला पर मेरी नजर में नहीं। देखो तुम बात कर रहे थे उससे बदतमीजी से, जवाब वो नहीं देगी तुम दोगे, तुम्हें देना होगा जवाब। डेनिस साहब ऐसा करते हैं कि सच में तुम ही अपनी बहन से पूछ लो, इसके मुंह से सुन के अच्छा लगेगा, है ना मेरी जान? वैसे भी इसने ये काम अपनी मर्जी से कर लिया। हाँ काम। अच्छा मैं बता देता हूँ, डेनिस तुम्हारी बहन ने मुझे बिना बताए इसने अपनी मर्जी से अबॉर्शन करवा लिया है। मेरा बच्चा होने वाला है, मतलब होने वाला था लेकिन इस औरत की वजह से नहीं हो पाया।
देखते हैं, ये नहीं है। लेकिन मिलता जुलता है। मतलब सिर्फ मिलता जुलता है। कहा था कि ये नहीं लेते, एक हफ्ता लग जाएगा इसे बनाने में। पर हम भी इसके खत्म होने तक घर से नहीं निकलेंगे। तुम्हारा तो यही प्लान था ना? जी हाँ। हाँ जी। नाज़ली, मामा परेशान लग रहे हैं मुझे। क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? हाँ आइडिया। मामू, आप इन मछली को देखकर अफसरदा हो गए ना? नहीं, मैं इसलिए अफसरदा नहीं हूँ। फिर आप किस बात पर अफसरदा हैं? हाँ, आप सर्दी की वजह से उदास हैं। नहीं, कुछ और बात है बुलुत, थोड़ा काम की वजह से परेशान हूँ। मुझे बताएं आप क्यों परेशान हैं? मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें इस बारे में क्या बताऊँ? दुख की बात है। बच्चों के सुनने की बात नहीं है क्या? शायद बताऊंगा किसी दिन वक्त आने पर। तुम थोड़ा बड़े हो जाओ पहले, जब जवान हो जाओगे तब। ठीक है। बुलुत, पजल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तुम सो जाओ, मुझे होटल जाना है। नाले प्लीज, मेरे पास रहो ना। नहीं रह सकती बुलुत, मुझे बहुत काम है। लेकिन मामों की हालत तो देखो, कितना अफसरदा है। अगर तुम रुक जाओ तो हो सकता है मामू बेहतर हो जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम चलो। ऐसा नहीं है क्या? तुम रह सकती हो यहाँ, बुलुत का दिल ना तोड़ो। मेरे साथ रहेगी। याहू, मैं बहुत खुश हूँ, नाज़ली मेरे साथ रहेगी। इधर आ जाओ शहजादे, मनामी को बता देते हैं। अब बाजी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। कोई मसला नहीं हुआ, अब हकान ठंडा पड़ गया है। देखो, अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो उसी वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। और ये कि तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। तुम फिक्र मत करो, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर अभी तुम्हारे साथ गई तो हकान बहुत गुस्सा होगा मुझ पर, और अगर देखा जाए तो हकान आग पर है। उसको बच्चे का बहुत शौक था और मैंने उसके साथ गलत किया। तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी उसको, ठीक है? बाजी, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर अगर तुम उससे तलाक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डेनिस, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ। मेरा मतलब, एबॉर्शन करवाने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। डेनिस, मैंने अभी माँ बनने का नहीं सोचा, इसलिए बात मैंने हकान को भी नहीं बताई, और फिर अचानक ये सब कुछ हो गया। मैं समझ सकता हूँ, उम्मीद है कि वो भी समझ जाए। हाँ बिल्कुल। और ये कि दैमिर का हादसा हकान ने प्लान किया हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब तुम खुद देखो तो उसको पता था कि अंजाम बहुत बुरा होगा अगर पकड़ा गया तो, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। उम्मीद है ऐसा ही होगा, मुझे इस बात का यकीन है पूरी तरह से। तुम मुझ पर यकीन करो और मेरे लिए परेशान मत हो, बस तुमसे यही दरखास्त करती हूँ। ये बच्चे वाला मसला किसी को नहीं बताना, ठीक है? परेशान मत हो बिल्कुल भी। शुक्रिया मेरी जान, चलो अब तुम जाओ।
अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना अच्छे से। वो पार्किंग में से कार से पुर्जा निकालने वाला लड़का, क्या नाम था उसका? रसूल। हाँ रसूल, क्या कर रहा है वो आजकल? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? उसका ताकुब कर रहे हो ना? सब ठीक है भाई, मैं उसका ताकुब कर रहा हूँ उस दिन से। वो तो इस वक्त हमारा दिया हुआ पैसा खा रहा है। क्या कोई हुकुम है उसके लिए? कुछ भी नहीं करना, खुद को शक में नहीं डालते और ना उलझाते हैं, उसके चक्कर में हम तक ना पहुंच जाएं, अल्लाह ना करे। हमें ये जुर्म किसी और शख्स पर डालना होगा। वो हम कैसे करेंगे भाई? पता नहीं, डैमर के जिंदा होते हुए जिससे उसकी लड़ाई हुई हो या जिस किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कोई आदमी तलाश करना होगा हमें। हाँ परेशान मत हो, मैं पता लगाता हूँ भाई। हाँ पता लगाओ जरा, उस रसूल का पीछा करते रहना। ठीक है, हमें फरीद से एक कदम आगे रहना होगा। अगर हमारा भेद खुल गया तो याद रखना तबाही मच जाएगी। हमें फाइनल मैच जल्दी खत्म करना होगा। ठीक है भाई, परेशान ना हो। मैं परेशान होऊंगा, मैं परेशान होना मेरा काम है, मैं परेशान होऊंगा, समझे तुम? भाई मैंने कहा ना, मैं सब हल कर लूंगा। और वो डीपू वाला काम जिसने जासूसी की थी वो भी है। हाँ उस काम का क्या बना? भाई मैं वो भी कर रहा हूँ। उस दिन डीपू में जो भी था उन सब का पता लगा रहा हूँ मैं। हाँ पता लगाओ, अगर उनसे कुछ ना मिला तो हमारी जासूसी करने वाला एक ही शख्स बचता है पीछे। अजीब बात है, आसुमान क्या कर रही हो तुम यहाँ? माल्टे मीठे है क्या? इतने खास नहीं है, बहुत खट्टे हैं। चखाओ तो। ओए होए, बिल्कुल भी नहीं खाओ। कितने खट्टे हैं यार ये आसुमन। मैं ये सोच रही थी नाजली अगर हमें ना बताए तो हमें तो दुनिया की खबर ही ना हो। हकान तो गॉडफादर बना घूम रहा है यार, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना? कितने जुर्म करता है यार वो। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, हम उसे मुजरिम नहीं कह सकते। फरीद साहब को तो पूरा यकीन है और मुझे भी यकीन है। दरअसल तुम दैमित बीवी की थोड़ी करीबी हो ना, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, नॉर्मल बात है। मुझे और कितनी बार कहना होगा कि मेरा उस डैमेज साहिबा से कोई वास्ता नहीं है, अब जो था खत्म हो गया। फजूल बातें बंद कर दो आसुमन, जो तुमने सब कुछ किया है ना वो हमारे सबके सामने है। तुम भूल गई हो कि तुम्हें अंताकिया भेजा जा रहा था? नाजली के लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी की थी, शायद तुम भूल गई हो वो सब। वैसे मेरे बारे में तो तुम काफी बात कर चुकी हो, लेकिन अब तुम्हारे नेकलेस के बारे में बात कर ले, क्या ख्याल है? मैं कह रही थी कि ऐसा करते हैं कि एंगिन को कॉल करो और कहो कि मेरा सख्त दिमाग खराब हो गया था, इसलिए नेकलेस तुम्हें वापस चाहिए। मुझे वो नेकलेस वापस कर दे क्योंकि दिमाग ठिकाने पर आ गया। आसुमन मेरी जान, इतनी बड़ी हो गई हो तुम अब, हाँ है ना? जब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड और मियाँ बनेगा ना और वो तुम्हें कोई तोहफा ला के देगा तो तुम वो अपने गले में सजा के ना घूमती रहना पूरे दिन और जो चाहे करना। हो क्या गया है तुम्हें? बस अब बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया तुमने, पुरानी सिलाई मशीन से भी ज्यादा बदतर हो गई हो तुम। हटो यहाँ से। पागल हो गई है, पागल कहीं की, गुस्सा दिला देती है। अजीब बावली है यार। वादा करो जब मैं सोकर उठूंगा तो तुम यहीं पर होगी। वादा? ओह चलो अब आंखें बंद करो और सो जाओ। चलो शाबाश, जल्दी से लेटो और सो जाओ। चलो चलो जल्दी लेट जाओ, शाबाश। नाटक कर रहे हो ना तुम? बुलू से वादा किया है मैंने, वो सोने पर रजामंद हो गया है और मैं यहाँ रुकने के लिए मान गई। फरीद, पिछली सर्दियों में हम सब साथ थे यहाँ। डेनिस, बुलुत, दमिर, ज़ैनब,
उस रात बड़ी बारिश हुई थी। जैनब ने हम सबको इकट्ठा किया, गार्डन में ले गई हमें। वहां घुटनों तक बर्फ थी, हम बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। जैनब अपनी मस्ती में थी, बच्चों की तरह कभी गिरती कभी उठती। जैनब को मुश्किल से राजी किया तो फिर बुलुत जिद कर बैठा कि स्नोमैन बनाए बिना नहीं जाना। क्या कर सकते थे, मानना पड़ा, तो हम सबने मिलकर स्नोमैन बनाया। एक तरफ से डेनिस, दूसरी तरफ से मैं, बर्फ जोड़ते रहे। डैमर को कहीं से दो स्टोन्स मिल गए जिससे आंख बनाई, और डेनिस कहीं से गाजर ले आया जिससे उसकी नाक बनाई, और जैनब ने अपना मफलर दिया, कहा कि बाद में ले लेगी। मैंने उसके मफलर को अपनी अलमारी में रख लिया। अपनी जैकेट निकालते हुए आज एकदम से ये मेरे सामने आ गया। मैंने देखा ये सिर्फ एक मफलर नहीं था, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की सबसे हसीन याद थी। लगता है बस ऐसी ही है जिंदगी। बल्कि शायद इसलिए ही जी रहे हैं हम। खूबसूरत दिन, रातें, खूबसूरत लम्हात इकट्ठे करके, उनको याद करके खुश होने के लिए, उनका सहारा लेने के लिए जीते हैं शायद हम। वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन तुम, मुझे यकीन है तुम फिर से स्नोमैन बनाओगे और बहुत खुश होगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वाले होंगे। मेरे ख्याल से जिंदगी ऐसी ही है, बस खूबसूरत लम्हात के लिए जीते हैं हम। खूबसूरत लम्हात इकट्ठे करने के लिए। सो गया? हाँ सो गया। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी बहुत। तुम कैसे हो यार? तुम्हारा बॉडीगार्ड चला गया? डेनिस मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा भाई है। जो भी है, हम सुबह वाले मौजू पे आते हैं फिर से। अब मुझे तुम जवाब दो कि उस बच्चे का, हमारे बच्चे का एबॉर्शन क्यों करवाया? बताओ भी, मैं सुन रहा हूं। हकान। हाँ। देखो मेरा कंपनी में अपना करियर बनाने का प्लान है। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं,
तो मुझे लगा कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी, और ये कि अभी मैं माँ बनने के लिए तैयार भी नहीं थी। तुम्हारे कंपनी के करियर के प्लान के चक्कर में बता भी है क्या बोल रही हो? मुझे बच्चे का कितना इंतजार था तुम नहीं जानती क्या? मुझे तुम्हारे कंपनी के करियर के प्लान्स का क्यों नहीं पता बोलो? वो कौन से प्लान्स हैं जरा बताओ मुझे। मैं तुम्हें दुख देना या फिर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी मैं। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, कितनी मासूम हो तुम, कितनी अकलमंद हो तुम। ठीक कह रही हो तुम। मैं सोच रहा हूं अगर हमारा बच्चा होता तो, मतलब तुम अगर हमला होती तो यहाँ बहुत सारे लोग होते, डेकोरेशन, चीजों का रद्दोबदल, बच्चे का कमरा वगैरह, किसने करना था ये सब कुछ? मेरे ख्याल से तुमने अच्छा किया। तुमसे एक बात पूछूं, मुझे बिल्कुल सच सच बताना। मेरी तरफ देखो। तुमसे बात कर रहा हूं, इधर देखो। मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूं। Damn it, सच में मुझसे प्यार करती हो क्या? बताओ प्यार करती हो? बहुत प्यार करती हूं। अच्छा, मैं फिर क्यों तुम्हारी आंखों में वो पहले दिन वाली रोशनी क्यों नहीं देख पा रहा? क्यों तुम्हारी आंखें इतनी गहरी और अंधेरी हुई पड़ी हैं? हाँ, इसलिए बताओ ना मुझे। हाँ कान, मेरी बात सुनो। इस एबॉर्शन का और तुम्हारी मोहब्बत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें पहले दिन की तरह बहुत प्यार करती हूँ, और सारी जिंदगी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। लेकिन बस मेरे जहन में भी एक बात अटक गई है। वो क्या है? ये हादसे वाला मसला। हाँ क्या है उसको? उम्मीद है कि इस हादसे के पीछे तुम हरगिज नहीं हो सकते हाकान। पकड़ो इसे। दैमित, अंदर यहां इंसान की शारख होती है। अगर तुम्हें ये लगता है कि वो हादसा मैंने प्लान किया है तो इसको ऊपर की तरफ दबाना काफी होगा। ना करो। तुम करोगी, मैं नहीं। मुझ पर यकीन नहीं तो दबा दो इसे। नहीं करो हाकान, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर दैमित मैडम, ये बात दोबारा कभी मत दोहराना। तुम पागल हो गई हो क्या? दो इंसानों की बात कर रहे हैं हम, उनमें से एक तुम्हारा भाई है। मैंने किसी को भी नहीं मारा। देखो, हमें एक दूसरे पे यकीन करना होगा, फिर ही हम मजबूत रह सकते हैं, समझी तुम? लालच क्या चीज है जो इंसान से ऐसा करवा सकती है?
इसको प्लान करना सोचना भी मुमकिन नहीं लगता। मैं किसी का दिफा तो नहीं कर रहा, लेकिन हकान के खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है। कल तक सबूत मिल जाएगा। मैंने अपने आदमियों को बोला है, कैमरे की वीडियोस को देख रहे हैं, पुलिस भी साथ में काम कर रही है। कार का फिर से मुआयना करेंगे वो, इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो सकती है। अगर इस काम के पीछे वाकई वो निकला तो तुम इतना हैरान क्यों? मुझे बाजी की बात ठीक लग रही है। वो हकान इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता, या फिर मैं ऐसा सोच ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात होगी। अगर वाकई ऐसा निकला तो बुलुत अपने माँ बाप के कातिल के घर में इतने अरसे से मुकीम है यार। और ये बात मुझे पागल कर रही है। इस सब में मेरा कितना हिस्सा है ये सोच के? नाजली, बात वो नहीं है, यहाँ बात साइकोलॉजी की है। या तो हकान या फिर कोई और, कोई ना कोई साइको पेशेंट है। वो मैकेनिक गलत नहीं हो सकता। कार को जानबूझकर खराब किया गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम यहाँ रह रही हो? हाँ, बुलुत बहुत जिद कर रहा था, कह रहा था कि सुबह उठकर मुझे देखेगा। मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। गुड नाइट। फिर मिलते हैं। ये बात करने का वक्त तो नहीं है, मगर ये जो राज वाला मसला है वो नाजली को नहीं पता। यूएसबी वाला ये भांडा मैंने फोड़ा था। तुम ये बात उसको बताओगे? मुझे बताना चाहिए क्या? नहीं बताओ तो अच्छा है, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं जानता हूं, हद तक कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल सकती है। मैं उसे बताने का नहीं सोच रहा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये। अच्छी खबर है। जबरदस्त, सुनाओ फिर। जैसा आप चाह रहे थे वैसा आदमी मिल गया। जलाल नाम है उसका, वो पसोलो कंपनी में ट्रक ड्राइवर रह चुका है भाई। देमीर के साथ मुमारी भी हुई थी उसकी। वाह, जलाल की क्या बात है। शायद कोई चोरी वोरी की थी उसने। देमीर ने उसे पहले वार्निंग दी, लेकिन जलाल को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर देमीर ने उसे निकाल दिया। जलाल ने उसे धमकी दी थी फिर कि उसे जान से मार डालेगा। वाह, कमाल कर दिया जलाल, तो देखो जरा बड़े पुरजोश हो। वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बेहतरीन। सबका एक साथ प्यार से रहना ठीक नहीं है मेरे भाई, कभी लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए, किसी का फायदा भी हो जाता है। कहाँ है ये जलाल? अभी तक मिला नहीं है भाई, लेकिन ढूंढ लेंगे उसे। पैसे ना होने की वजह से किराया नहीं दे सका और वो भाग गया। मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको, बिकिर ब्लूत ब्लूत, उसका पीछा मत छोड़ना। उसे स्कूल तुम लोग छोड़ना, उसके मामू के पास छोड़ा तो वो बहुत शफकत दिखाएंगे, इतना काफी है बस। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। वाह जलाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बुलुत के लिए। बुलुत स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपकी जगह किचन में है।
मतलब आपका काम सिर्फ किचन की हद तक है। ठीक है मैडम, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। गुड, पूरे हफ्ते क्या बनेगा वो इस लिस्ट में मौजूद है, और कुछ भी हो जाए इस लिस्ट से बाहर नहीं निकलना। सही है, ये बात याद रखिएगा। खुश आमदीद। तुम चलो अपने काम पर लग जाओ, मैं अभी आई नाजली मैडम। हेलो, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला यार। जी मैडम। मैंने कहा मुबारक हो, आपको लगता है नए आए हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लिस्ट में जो लिखा है वही बनाना है। हाँ, यहाँ गोश्त पकाने से पहले थोड़ी देर सिरके में रखना, पकाते हुए उसमें थोड़ा सा जूस रहना चाहिए। पुलाव में किशमिश बिल्कुल मत डालना, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। कुकीज बनाते वक्त ज्यादा मत बनाना, बासी चीजें नहीं खाता वो। तो मेरा नाम मत लेना, उसे क्रीम नहीं पसंद, फेंक देता है, वो उसे मत देना, बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। आप फरीद साहब को बहुत अरसे से जानती हैं क्या? कुछ यही समझ लो। नाजली कैसी हो? ठीक हूँ। तारिक तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बुलू साहब के लिए आया हूँ, उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और दहमत साहिबा की तरफ से चीजें लेनी है, बस यही काम है। ठीक है, कैरी ऑन। फरीद चला गया क्या? अरे नहीं, अभी तो वो यहीं थे। हाँ वो रहे। चले अब मैं चलता हूँ, बलू साहब के बहुत से काम कर रहे हैं, फिर मिलते हैं। ओके, दोपहर तक मुझे मेल भेज दो, मैं इंतजार करूंगा। बाय। गुड मॉर्निंग, आज आपने जल्दी काम शुरू कर दिया। हर रोज की तरह। तुम कुछ कहने आई थी क्या? बुलूत आज स्कूल जाएगा क्या? मेरी मदद की जरूरत है? नहीं नहीं नाजली, मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, खास करके बुलुत के मसले पे। मेरे साथ नाइंसाफी मत करें। मैंने क्या नाइंसाफी की तुम्हारे साथ? कल देखा नहीं तुमने कि बुलुत किस तरह उस घर में रह रहा था? और ये सब देखने के बावजूद कुछ ना बोलना नाइंसाफी नहीं है क्या? नाजली। गुड मॉर्निंग बुलुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामू। गुड मॉर्निंग बुलुत बेटा। नाजली मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए ऑमलेट बना दो ना। नाजली अब इस घर में काम नहीं करती, उसे कोई काम नहीं बोलो। आ जाओ बुलू, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। कौन सा ऑमलेट बनाएंगे फिर? जो आपको अच्छा लगे। चीज डाल दे, टमाटर डाल देते हैं। सॉसेज पसंद है ना तुम्हें? उम्मीद है आपको पसंद आया है। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैर तो है आज सुबह सुबह? मैं वॉक पे गई थी। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं गया मैं, अपनी प्यारी बीवी को देखे बिना जाने को दिल नहीं करता। कल रात को तुम बेडरूम में नहीं आई। मैं रात को बुक पढ़ते हुए सो गई थी। फिर गर्दन में दर्द तो नहीं होगा इंशाल्लाह? नहीं नहीं हुआ, और वॉक करने का भी बहुत मजा आया। तुम भी वॉक किया करो। जरूर जरूर, मैं भी शुरू कर देता हूँ, एक साथ चलेंगे। चलो आओ नाश्ता करते हैं। नहीं मैं पहले फ्रेश होंगी, उसके बाद करूंगी। दिमित। हाँ बोलो। उम्मीद है कि तुम समझ चुकी होगी कि इस जिंदगी में मेरे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना। देखो वो तुम्हारी दोस्त असुमन है ना, उसने भी तुम्हें धोखा दिया। और देखो दैमित, बाकी सब लोग भी उसी जैसे हैं। तुम्हें ऑमलेट बहुत पसंद है, सारा खा गए तुम। नाजली तुम ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती हो। थोड़ा चीज भी खाओ। यम्मी। फरीद साहब क्या फ्री हैं? एक बात करनी थी। जरूरी बात है। कोई मसला है क्या तारिक?
जी मसला नहीं है, आपके ये दोस्त इजाजत दे तो हम अपना काम करने आए हैं। क्या काम है जरा बताओ। हम बुलुत का सामान लेकर आए हैं, वो तैयार हो जाए तो उसे स्कूल लेकर जाना है। कोई जरूरत नहीं, हम खुद ले जाएंगे उसे। हक्कान साहब और डेमित मैडम ने हमें इसका हुक्म दिया है। जानते हो ना कि अदालत ने बुलुत को हमारे जिम्मे दिया है। तुम अपने बॉस को बता दो, जल्द ही वो अमानत हम वापस ले लेंगे। बुलुत अपने असली घर वापस आ जाएगा। आज बुलुत को हम स्कूल लेकर जाएंगे और वो रात को हमारे पास ही रहेगा। ठीक है, बता दूंगा मैं हक्कान साहब और डेमित मैडम को। अच्छा करोगे। चलो मुस्तफा। हमने नाश्ता कर लिया है। बुलुत बेटा, आज तुम्हें तारिक साहब स्कूल छोड़ेंगे और आज से तुम यहीं रहोगे। यही ना बात, चले चले। तारिक, क्या तुम मुझे भी रास्ते में ड्रॉप कर दोगे प्लीज? जी बिल्कुल, मैं बुलुत को तैयार करती हूँ। मैकेनिक कमाल का अंदाजा है कि कार में किसी ने खराब पुर्जा लगा दिया था, फिर वो डर गया कि कार कबाड़ में ना गई तो मसला हो जाएगा, इसलिए वो आया और कार के खराब पुर्जे को निकाल कर अपने साथ ले गया ताकि सबूत ना रहे। मैं उसके अंदाजे से जरा आगे की सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सारे प्लान हक्कान के हैं। कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू करने के लिए कोई सबूत चाहिए, फिर देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कहां लेकर जाती है। मुझे पता है कि कहां ले जाएगी। तो फिर अब हमें क्या करना होगा ये बताइएगा जरूर। इस हादसे के पीछे हक्कान का हाथ है या नहीं ये बताइए। पार्किंग में आने वाला आदमी अगर मिल जाए और अगर हक्कान से उसका रابطہ साबित हो जाए तो मिल जाएगा, उसको ढूंढेंगे और हक्कान को जरूर जेल भेजेंगे। मैं सिक्योरिटी रूम जा रहा हूँ, हमारे लोग सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यार ये बच्चे की स्कूल छोड़ने की बात पर भी लड़ रहे हैं, अजीब बात है। ना पूछो फतोष, वहाँ तो जैसे जंग छिड़ी हुई थी। इसको अच्छे से मिक्स करना। तो अब फरीद बुला रही हूँ उसे। ये बहुत मोटे पीसेस हैं, इसे छोटा काटो। फरीद कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसे दिख रहा था जैसे कच्चा चब आ जाएगा। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पता है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है नाजली, आसुमन की वजह से हुआ है। जादूगरनी है वो, काश तुम उसे ना अकेले ही वापस भेज देती और तुम अकेले यहाँ रहती। हाँ तो वहाँ जाके उसने क्या कारनामा करना था? ये तो है, खुद को रोक नहीं पाती बिल्कुल भी, कोई कंट्रोल नहीं है। रुक जाएगा फतोष, कब तक भागेगा मुझसे? आखिर उसकी वजह से कितना कुछ झेला है मैंने, ये तो ज्यादा पका दिया। हल्की रखो आग, ठीक है। कैसे रोकोगी उसे तुम नाजरी, बांध दोगी क्या कहीं पर? मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगी। क्या तुम आसुमन को कॉल कर रही हो अभी? हाँ बहुत तेज है। आसुमन, तुम अभी तक घर में क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, क्लास नहीं जाना? मैं कह रही हूँ ना, अभी यूनिवर्सिटी जाओ और वहाँ जाकर मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तस्वीर भी भेजे? हाँ? ये भी ठीक है, तस्वीर भी भेजना मुझे। तुम वहाँ जाओगी और मुझे तस्वीर भेजोगी, क्लास में भेजना, टीचर के साथ भेजना तस्वीर। मुझे नहीं पता, टीचर के साथ ही भेजना तस्वीर। चलो बेटा, अभी मैं रख रही हूँ फोन। बहुत हो गया, बहुत कमाल का हो गया, शाबाश मेरी जान। ये लो बॉस। फतोष ये क्या बना दिया, ये कब से लगी हुई हो इस पे? देखो अभी भी मिक्स नहीं हुआ, इसे सही से फेटो, सही से। बहुत मुश्किल है यार। कल रात को क्या हुआ था डेनिस, हक्कान और दैमित के दरमियान? हाँ लड़ तो रहे थे, बस वही जो मियां बीवी में होती रहती है, छोटी मोटी। हाँ लेकिन ऐसे कैसे रहते हैं वो लोग, ये नहीं होना चाहिए, इसको घरेलू तशद्दुद कहते हैं। कभी कभार सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा हो।
अकल इस्तेमाल करो और कैमरा रिकॉर्डिंग देखो जाके, क्या हुआ और क्यों हुआ। बस भाई, इस काम के पीछे हक्कान का हाथ है। बुलुत की देखभाल मैं खुद करूंगा और हक्कान जेल जाएगा। तो ठीक है, इसमें क्या हर्ज है, मैं भी यही चाहता हूं। सुमान साहिबा, हमारी बात सुनिए। जी, आप कौन? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। डैमिट मैम ने तुम्हें बुलाया है। मेरा डैमिट साहिबा से ना कोई वास्ता है, ना मुझे उससे कोई बात करनी है। ये तो वही बताएंगी। देखो, मेरा बाजू छोड़ो वरना बहुत बुरा होगा। बात सुनो, मुंह बंद रखोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं बता रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस हादसे को बहुत वक्त हो गया है। मैंने बहुत देर कर दी। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता हो सकता था? खुद को मुजरिम मत ठहराओ। और वो दोनों काफी समझदार इंसान थे, और देखने में तो ये एक्सीडेंट ही लग रहा था। किसे पता था कि ये प्लान किया गया है? सबको सलाम। तुम क्यों आए हो यहाँ? फरीद, खामोशी से बैठ जाओ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। फरीद असलान, ठंडे रहो, मैं लड़ने नहीं आया तुमसे। डैमर और जैनब के हादसे के बारे में बात करने आया हूँ। अपनी गंदी ज़बान से उनका नाम भी मत लो, समझे तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, दफा हो जाओ यहाँ से। फरीद असलान, हकान जाओ। कहाँ कहाँ जाओ इंगिन? हाँ, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को मारने का हुक्म नहीं दिया। तुम मुझे कत्ल का मुजरिम ठहरा रहे हो, थोड़ा होश में आओ। दो इंसानों की जिंदगी की बात कर रहे हो, उनमें से एक मेरी बीवी का भाई था और एक तुम्हारी बहन। मैं ऐसा क्यों करूँगा, बताओ मुझे, तुम बताओ। तुम सोच भी कैसे सकते हो? देखो, मेरा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। देखो, माजरा चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग मेरे सब कुछ हो। दोस्तों, आप लोग उन लोगों को अच्छे तरीके से जानते नहीं थे पहले से क्या? सब कुछ नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था। मेरे जहन में आने वाले सवालात तुम लोगों के जहन में नहीं आ सकते। इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से, इतने सफाक तरीके से उनको कौन मरवा सकता है? उन दोनों की कोई जाती लड़ाई तो नहीं थी? शायद कोई ऐसी बात हो जो तुम लोग नहीं जानते। समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो, मिलकर काम करते हैं, हमें फायदा होगा इससे, मिलकर तलाश करते हैं। हकान, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो, लेकिन असल बात पर आओ। मैं भी इस मसले का हिस्सा हूँ। मेरे घर आकर जो तुम लोगों ने किया, मुझे तुमने फंसाया इस मसले में। अब ये मुझे हल करना होगा, अपनी बीवी की खातिर मुझे करना होगा। वो जानवर भले जो भी हो जिसने ये किया है, उसको पकड़ना मुझ पर फर्ज है, ये जान लो तुम। मैं अपनी जान लगा दूंगा इस मसले में, ये बात मेरी समझ लो। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, और ये मसला हल होने तक ब्लूट तुम्हारे साथ रह सकता है। लेकिन बस एक चीज और है, जो मुक्का तुमने मारा था और ये मेरे हाथ का हाल देखो। ये मसला खत्म हो जाए पहले, फिर तुमसे मैं इन दोनों चीजों का हिसाब लूंगा। अब तो छोड़ दो मुझे, यहाँ से मैं कहाँ भागूंगी? हर तरफ तो तुम्हारे जैसे कितने लोग खड़े हैं, मैं कहाँ भाग सकती हूँ यहाँ से? छोड़ो मुझे, मेरा बस करो। क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। आसुमान डियर, वेलकम। क्यों बुलाया है मुझे? अपने पालतुओं को क्यों भेजा मेरे पास? प्लीज बैठो ना यहाँ डियर। नहीं बैठना मुझे, जो कह रही हो मैं सुन रही हूँ। आसुमान, हमने तुम्हारे साथ एक डील की थी जो कि तुमने तोड़ दी, और इसीलिए तुम यहाँ पर हो। और तुमने मेरे एक छोटे से राज को अफशा कर दिया, लेकिन डील तोड़ के तुमने बहुत बुरा किया है। डैमिट, देखो, मैंने कोई भी डील, तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने कोई डील नहीं तोड़ी, समझी?
असल में तो डील तुमने तोड़ी है। मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार काम किया और वो काम मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। अब मेरी जिंदगी बस स्कूल, घर, होटल तक है। अच्छा नादान लड़की, काश हमारे ख्यालात भी सच हो पाते। मसलन मैं तुम्हें जगाती और कहती, आसुमान ये सब एक डरावना ख्वाब है, चलो जाग जाओ, है ना, कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अफसोस सच से हम नहीं भाग सकते। तुमने हमारी डील को तोड़ा है और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें नहीं खेलना है। ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुम्हें याद दिला दूं आसुमान, इस खेल में दो लोग शामिल हैं। देखो मैंने तुमसे कहा था, तुमने कुछ भी कहा तो मैं सब कुछ बोल दूंगी और सब कुछ बता दूंगी जो तुमने किया। आसुमान मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने फरीद को कुछ नहीं बताया और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम हाकान के बारे में मुझे कोई धमकी मत देना। हाकान मेरा शौहर है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं उसको हकीकत बता दूंगी और जो उसे बताऊंगी वो यकीन भी कर लेगा। चलो अब तुम बताओ कि तुम पर कौन यकीन करेगा, कौन करेगा? क्या चाहती हो मुझसे, क्या करोगी मेरे साथ? पता नहीं, ये तो पता नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। क्या करूंगी, कब करूंगी, कैसे करूंगी, तुम्हारा क्या करूंगी, पता नहीं। मुझे एक बात का पता है, वैसे मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगी। अब तुम जा सकती हो, दफा हो जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे अच्छी तरह पता है दरवाजा कहां पर है, छोड़ो मुझे। रिकॉर्डिंग नहीं की। रिकॉर्डिंग नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बस। डैमिर की कार यहाँ आने के दिन से लेकर यहाँ से जाने तक सब रिकॉर्डिंग को देखा है। लेकिन मिला कुछ भी नहीं, सिर्फ डेढ़ महीने पहले एक दिन पूरा गायब है, वीडियो में नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें इस बात का क्यों नहीं हुआ? सर उस दिन कैमरा चल रहे थे, वीडियो भी आ रही थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अगले दिन जब पता चला तो बहुत सख्त जांच पड़ताल भी की गई। और फिर नतीजा? चोरी का कोई भी इम्कान नजर नहीं आया, बिल्डिंग का कोई खतरा नहीं था, फायर सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, कोई मसला नहीं था। नतीजतन ये सोचा कि कोई सिस्टम में एरर हुआ होगा, सॉफ्टवेयर रिन्यू किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि साइबर अटैक के जरिए रिकॉर्डिंग रोकी गई और इसीलिए वो आदमी अपना काम आराम से करके चला गया। फिर ये चीज इस बात का सबूत है कि बाहर से किसी ने कार के साथ छेड़छाड़ की है। ये चीज शक को बढ़ाती है। मेरी आपसे दरखास्त है कि कंपनी के अंदर देवीर साहब से किसी की दुश्मनी थी तो हमें बताइए। इस बात का पता लगाना होगा। मैं मिसेस इकबाल से कहता हूँ कि इस बात का सुराग लगाएं और किसी को भी पता ना चले इस बारे में। बेकर कहाँ रह गई, ये आए नहीं अभी तक कमीने। भाई पता नहीं, बस अब आते ही होंगे। तुम लोगों ने ये देमिर के साथ झगड़ा करने वाला आदमी, क्या नाम था उसका? जलाल। हाँ, क्या बना उस काम का? भाई उससे बात की थी, बहुत तेज है वो, जहाँ भी काम मिला वहाँ चोरी की और काम से निकाल दिया गया। बहुत ज्यादा गरीब आदमी है वो बेचारा, उसकी एक बीमार बेटी भी है जो पैरालाइज है, पैसे की बहुत जरूरत है उसे। इसका मतलब ये है कि फिर तो वो मान गया होगा। भाई फिलहाल तो उसने हाँ नहीं कही है, लेकिन मान जाएगा। यार पैसे और बढ़ा दो तो वो मान जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे ही करेंगे भाई।
अरे आ गए। कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस कमीने से बहुत सख्त नफरत है। भाई आगे तुम कैसे हो? वेलकम मेरी जान। शुक्रिया भाई। और बताओ ठीक हो ना? यकीन करे भाई मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करता हूँ। लेकिन सिर्फ दुआ से बात नहीं बनेगी। कार वाले मसले का क्या बना? मुंह तो बंद रखा हुआ है ना तुमने? कैसे ना बंद रखूं भाई, सब कुछ मैंने किया है। कार मैंने चुराई है, पुर्जा भी तो मैंने ही खराब किया है। तुम भी फंस जाओगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम फंस गए तो मैं भी फंस जाऊंगा, और अगर मैं फंस गया तो जानते हो क्या होगा? मैं तुम्हारी 7 नस्लें खत्म कर दूंगा। मुझे देखो, मैं तुम्हें भी गोली से उड़ा दूंगा। मसला बहुत संजीदा है, समझे? जी जी भाई, इंशाल्लाह। जी भाई इंशाल्लाह। हमारा सफर यहाँ खत्म हुआ सुमान। ये कौन सी जगह पर उतारा है? मुझे बस स्टॉप के करीब तो उतार दे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हें रश वाली जगह पे उतार कर सबके सामने डरा कर हम शर्मिंदा करना नहीं चाहते। हमने सोचा किसी वीरान और खामोश और सुकून की जगह पर तुम्हें समझा देते हैं। भाई अब तुम मुझे क्या समझाओगे? हाँ मेरी बात सुनो, गौर से सुन लो। दैमित मैडम के साथ बात करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए, उनके बारे में कुछ कहते हुए एहतियात से काम लेना, नहीं तो तुम्हें किसी वीरान जगह पर और बेअबान जगह पर बहुत बुरी तरह से कुत्ते तुम्हें नोच कर खा रहे होंगे। समझ गई हो ना तुम आसुमान? मेरे अल्लाह, किन लोगों के हाथ लग गई हूँ मैं? ये मैंने क्या कर दिया? कहाँ फंस गई हूँ मैं यार? बुलुत, बुलुत इतने बुरे लोगों के साथ रहते हैं। मैं किसी न किसी तरह हक्कान की हकीकत सामने ले आऊंगा, किसी भी तरह। मुझे लगता है कि वो मेरे हाथ आ जाएगा। मैं अभी बाहर जाऊंगा, पहले घर जाऊंगा, फिर उसके बाद बाहर जाऊंगा। अब तुम पहले से ज्यादा नजर आओगे। कंपनी के अपने शेयर को तुमने खुद रिप्रेजेंट करना चाहा है ना? हाँ, लेकिन बस सूट पहनकर खुश नहीं होना चाहता मैं। मैं अहम फैसलों के वक्त पर मेज पर बैठना चाहता हूं। जब दिल करे आ जाना। आऊंगा। नाजली को माफ नहीं किया है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं माफ किया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जिसे तुमने माफ नहीं किया उसके साथ क्यों काम कर रहे हो? ऑफर अभी भी मौजूद है, अगर चाहो तो मुझे शेयर बेच सकते हो। होटल के काम में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, और बिजनेस में जज्बात नहीं चाहिए होते, अकल चाहिए होती है। तुम पीछे नहीं हटोगे है ना? मैं भी नहीं हटूंगा पीछे बिल्कुल। तो तुम्हारा नाम बुराक है, उन्होंने तुम्हें बताया कि क्या करना है? एक होटल है, उसमें वेटर का काम करना होगा। अच्छा, तो एक नया होटल खुला है वहाँ, वो काम करने वाले तलाश कर रहे हैं और तुम वहाँ वेटर के तौर पर काम करोगे। ठीक है, और अब तुम जाओ और जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। पूरी एनर्जी के साथ जाना है और जाकर काम करना है, समझे? जी ठीक है। वेरी गुड। इंटरव्यू में जो भी कहे बस तुम्हें हाँ कहनी है, और सैलरी की फिक्र नहीं करना क्योंकि वो तुम मुझसे लोगे। मुझे करना क्या होगा?
यानी मुझे सिर्फ वेटर का काम नहीं करना होगा? बिल्कुल, सिर्फ तुम वो काम नहीं करोगे बल्कि होटल में जो कुछ भी होगा उसकी प्रॉपर रिपोर्ट दोगे तुम मुझे। देखो बुराक, मेरा मकसद सिर्फ सकोरा को जितना जल्दी हो सके खत्म करना है और इस काम में तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है? जी ठीक है। वेरी गुड, बस मुझे यही कहना था। इसके अलावा अगर कोई काम हुआ मुझे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम्हारी एप्लीकेशन पहुंच गई है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए तैयार कर देंगे, ठीक है? भूलना मत कि तुम्हें किसी भी सूरत में इस जॉब को हासिल करना है। जरूर। चलो अब जल्दी जाओ। तो क्या ये पक्की बात है कि ये सब कुछ हक्कान ने किया है? पता नहीं। क्या मतलब नहीं पता? तो फिर पता लगाओ ना, पता तो चले कि हक्कान ने किया है या नहीं। अच्छा आलिया, तुम फिक्र मत करो, हम खोज लगा रहे हैं। डेनिस, मैं कैसे परेशान ना हूँ, उस आदमी के साथ बुलुत रहता है, वो यहाँ आता जाता रहता है, हमारे बार में आता है, अगर वो आदमी कातिल निकला तो क्या करेंगे? हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल, लेकिन तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा क्या लेना देना है उस हक्कान से? वैसे भी कोई कन्फर्मेशन थोड़ी है कि हक्कान ने मारा है, 100% कोई नहीं कह रहा है, हमें सिर्फ शक है उस पर और खोज लगा रहे हैं। बुराक, तुमने बिजनेस डिग्री हासिल की है अभी, अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब करो या इंटर्नशिप क्यों नहीं करते? मैंने कोशिश की लेकिन जॉब मिली नहीं, वैसे भी आजकल ग्रेजुएट को जॉब कौन देता है। तो तुमने सोचा कि वेटर बन जाता हूँ? हाँ, मुझे किसी काम का तजुर्बा नहीं लेकिन जल्द ही सीख जाऊंगा। 3 हफ्ते पहले मेरे वालिद फौत हो गए और वालदा भी बीमार हैं और मेरी नानी भी, वो हमारे साथ ही रहती हैं, 2 छोटे भाई हैं, वो स्कूल जाते हैं, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके जॉब शुरू करनी होगी। चलो ठीक है, हम काम पे रख लेते हैं। बहुत शुक्रिया। तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो, अंदर चलते हैं, तुम्हारा यूनिफॉर्म दे देती हूँ। मैं देखता हूँ। मैं फिर से कॉफी बनाती हूँ, ये ठंडी हो गई है। हाँ वाकई इतनी ठंडी हो गई है कि आइसक्रीम बन जाएगी उसकी। डेनिस, तुम भी पियोगे ना कॉफी? डेनिस, तुम्हारे लिए भी बनाओ ना। आसुमान, कैसी हो? वालेकुम सलाम। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग बातें करो। नहीं आलिया, तुम थोड़ी देर यहीं रुक जाओ प्लीज। ठीक है, तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। तो मिस्टर बुराक, ये है हमारा किचन, आहिस्ता आहिस्ता सब काम सीख जाओगे तुम। अब बाहर जाकर काम करो अपना। जी ठीक है। क्या मतलब है, वो कल आ रहे हैं अचानक? कौन आ रहा है नाजली, क्या हुआ? फरीद साहब जिस फूड क्रिटिक की बात कर रहे थे वो आ रहा है यहाँ पे, जो टीवी पर भी। अच्छा? फरीद साहब ने उसे कहा कि वो उसको लेकर आएंगे लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी। नाजली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि वो जल्दी चक्कर लगाएगा और थोड़ी देर पहले उसकी कॉल आई, उसने कहा आज नहीं कल आएगा, लेकिन मेरे पास अभी इस काम के लिए वक्त तो नहीं है लेकिन कोई चारा भी नहीं है। किसी और दिन आ सकता था। मैंने उसको कहा लेकिन वो नहीं माना, उसके साथ कुछ फॉरेनर मेहमान है और वो चाहता है कि जाने से पहले आखिरी बार खाना यहाँ खाए। ओ, तो मेहमान भी आ रहे हैं, कौन मेहमान है वो? उसके साथ सारे बड़े लोग हैं, कुक, लिखारी और रेसिपीज बनाने वाले। ओ, तो सारे प्रोफेशनल लोग। नाजली, तुम एक अच्छी शेफ हो, तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? नाजली, खुद को साबित करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और एक अच्छा शेफ कम वक्त में भी अपना जौहर दिखा सकता है। एक तो तुम अपना नाम बनाओगी और दूसरा इस रेस्टोरेंट का भी नाम बनेगा। उसको ठीक से हिलाओ प्लीज। चलो ऐसा करते हैं कि तुम भी मेरी मदद करना,
मैं आलू काटूंगा क्या? सॉरी नाजली, लेकिन वो दिन गुजर गए। नहीं, हमें बस दो जगह पर जाना होगा कल। एक ग्रोसरी स्टोर पे जाना होगा और एक कसाई की दुकान पे। मेरा वहाँ क्या काम है? मैंने सोचा कि तुम मुझे ले जाना, क्योंकि बहुत दूर है ना वो जगह, और खुद से जाना बहुत मुश्किल है। नाजली, मुझे बहुत सारे काम है और अभी मैं सिर्फ एक काम के पीछे हूँ, और वो है हकान। बहुत सारे मसले और भी हैं फरी, हकान वाले मसले के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखनी है तुमने। थोड़ी बाहर की हवा ले लेना, मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। बुलुत की थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, तारिक ने उसको यहाँ से लेना है। कोई मसला नहीं, हमारा घर खाली है, फतोह संभाल लेगी उसे। नाजली को ना करना आसान नहीं है फरीद। मनामी, मैं माजरत चाहती हूँ तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, लेकिन सब तुम्हारे सामने है। फरीद को अकेला नहीं छोड़ सकती, कम से कम मेरे साथ हुआ तो उसका ध्यान तो रख सकूंगी मैं। मेरी आंखों के सामने रहेगा वो, और घुमाऊंगी फिराऊंगी तो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मिलते हैं बाद में। मेरे माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। चलो अब बताओ क्या कहना चाहती हो, हम लोग सुन रहे हैं तुम्हारी बात को। बुलुत चला गया है अपनी आंटी के पास। अब से कुछ अर्सा पहले तक इस सादा से सवाल और जवाब की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं थी। बुलुत को नहीं जानती थी मैं, उसके चाचू, आंटी और मामू को नहीं जानती थी मैं। एक अकेले घर में बिन माँ बाप का बच्चा क्या करेगा नहीं जानती थी, अंदाजा ही नहीं था, कोई अहमियत नहीं थी इस बात की। उस वक्त मेरे नजदीक एक चीज अहम थी, और वो थी पैसे। देखो डेनिस, एक आम सी तनख्वाह में एक घर का गुजारा किस तरह से हो सकता है बताओ? पर से घर की बेवकूफ, अहमक और नाकाम लड़की होना, क्लासेस अटेंड ही ना करना, यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर से पास हो जाना, माँ बाप के पैसों पर इस्तांबुल जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल काम है। जिंदगी बनाना आसान नहीं है। मुझे अपने हम उम्र लोगों पर रश्क आता था। यहाँ रहते हुए मेहनत और कामयाबी के बलबूते पर तो कुछ ना कर सकी, इसीलिए गलत रास्ता चुना मैंने। मैंने बहुत बड़ी गलती की शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक और मौका दोगे। आसमान, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं? तुमने हम सबको नुकसान पहुंचाया है, बलूत को, बाजी को, फरीद भाई को, और सबसे अहम, तुमने मेरे भाई भाभी की आखिरी निशानी को नुकसान पहुंचाया, और अब तुम गुर्बत का बहाना बना रही हो। डेनिस, डेनिस देखो, ये अदालत वाला मसला मेरे लिए बस एक अमीर से दूसरे अमीर को मसला था, बस इसकी गहराई नहीं जान सकी मैं। मैंने बस ये सोचा कि इन अमीरों से इस बात का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था, ना ही इस बात का अंदाजा था मुझे कि मैं आग से खेल रही हूँ जिससे नुकसान हो सकता है। मेरी इस हरकत से ये सब कुछ हो सकता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मेरी बात सुनने का शुक्रिया। मैं माजरत खा हूँ जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए, लेकिन अब बदल गई हूँ मैं। झूठ नहीं बोल रही, पैसों का लालच नहीं अब मुझे। मैं अपनी जात से अब कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मैं इजाजत चाहती हूँ, मुझे फॉरेन क्लास में पहुंचकर आपा को पिक्चर भी भेजनी है। तारिक, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ख्याल रखना बुलुत का। अब तुम कैसे हो? सारे काम निपटाकर मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ,
तो अपने वर्किंग आवर्स से ही बस थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो, इससे अच्छा फील करोगे। मैं बहस नहीं करना चाहता नाजली। मैं भी। खैर कहाँ जा रहे हैं हम? वैसे शहर के बाहर एक डेयरी फार्म है, वहाँ से अच्छा सामान मिलता है, और दूसरा मार्केट की तरफ चलते हैं, वहाँ से सामान ले लेंगे। दोनों के दरमियान कितना फासला है जानती हो क्या? 200 किलोमीटर। लेकिन होटल की कामयाबी के लिए नाजली, अभी हम दोनों वहाँ नहीं जा सकते, कोई एक जगह बताओ। नहीं, हमें जाना पड़ेगा। नाजली एक जगह बताओ, एक जगह चुनो। मार्केट चलते हैं, डेयरी फार्म पे अगले हफ्ते। चलो भाई, वेलकम गुलूत, सारा घर तुम्हारा है, सब तुम्हारे हुक्म की तामील करेंगे। बताओ कि क्या क्या करना है तुम्हें, जल्दी बताओ। जो मैं चाहूंगा वो करेंगी। जो चाहोगे तुम सब कुछ करेंगी? हाँ सब कुछ। तो फिर हुआ करते हैं। हाय तुम देख रहे हो कितना प्यारा बच्चा है, कोई और बच्चा होता तो फ्राइज बनाने का कह देता, 2 घंटे लग जाते मुझे फ्राइज बनाने में, कितना प्यारा है। हाँ, मैं चिप्स भी खाना चाहता हूँ। देखो बुलूत बेटा, ये मसला मैं हल कर लूंगा, कोई मुश्किल बात नहीं। तो होमवर्क क्या है और किस सब्जेक्ट का है? पेंटिंग बनानी है, मतलब हमारे टीचर ने पानी के नीचे की दुनिया बनाने का कहा है। बुलूत, मछली वगैरह की होगी ना? हाँ, समंदर के नीचे जो कुछ भी है आप बना लेंगे क्या? हाँ हाँ, हाँ मेरी जान बना लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो, बहुत जबरदस्त पेंटिंग तैयार होगी। ठीक है ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छे से आती है तो मैं बना लूंगा। तो फिर डिसाइड हो गया, बनाते हैं। ठीक है। हेलो एंगिन, नहीं आज होटल नहीं गई मैं, घर पे ही हूँ। बुलूत आया हुआ है, उसे होमवर्क करवाना था, बस वो करवा रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग कितनी अच्छी है। देखते हैं, चलो आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, बाय बाय। हाँ तो भाई हम क्या कर रहे थे? तो मैं कॉल करता हूँ बुलूत साहब की मछलियों के लिए, मेरा मतलब फौरन चिप्स ऑर्डर कर देता हूँ, ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ बाद में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो बुलूत बेटा, आप अपना बैग निकालो और अंदर से कलर्स निकाल कर टेबल पर बैठ जाओ, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है ना? ओके। चलो उठाओ बैग। हाय कितना अच्छा बच्चा है बेचारा। बॉटल में उठा लेता हूँ। ये तो बॉटल बड़ी प्यारी है। ठीक है भाई, ठीक है, बंद करो बंद करो। क्या हुआ है भाई? वो जला लेना कमीना, वो मान नहीं रहा। कैसे नहीं मान रहा, मतलब वो जुर्म कबूल नहीं करेगा? नहीं भाई, कहता है कि आप मेरी फैमिली का ख्याल रखोगे क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, कहता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी। नहीं छोड़ूंगा उसे। अहमक जलाल, अहमक जलाल, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है क्या? लानत हो तुम पर। कसम से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उसके घर चलो जरा, मैं उससे बात करता हूँ, या वो प्यार से मान जाएगा या मैं उससे मनवा लूंगा कुछ भी करके। ठीक है भाई। समझ से बाहर है किस किस्म के लोग हैं। ऐसा करो, यहाँ पर ना सुरमई मछली बना दो। हमसी मछली? पतूश अपनी सोच को वसी करो जरा, ये लड़का कॉलेज जाता है क्या? हमें चाहिए कि हम ब्लू व्हेल या छोटी मछलियाँ बनाएं, ये बेहतर रहते हैं। तुम्हें पता भी है कि सुरमई मछली कितने की किलो है? हाँ वो भी ठीक है, तो फिर मैं हमसी बना देता हूँ, लेकिन वो भी बहुत सारी बनाऊंगा ताकि अमीर दिखना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे ये सारी मछलियाँ बनाने के बाद ना मैं तुम्हें एक सिल्वर स्टार भी दूंगी। हाँ ये अच्छा आइडिया है। ये बताओ सिलेंडर वाला या बगैर सिलेंडर वाला बनाना है? इससे क्या फर्क पड़ता है तारिक? अरे फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? जो ड्राइवर बगैर सिलेंडर के जाता है वो गहराई तक जा सकता है, और दूसरा वाला ज्यादा गहराई में जाता है, तो उसके हिसाब से मछलियाँ और माहौल बिल्कुल डिफरेंट होगा। हाय अल्लाह, तुम तो बिल्कुल साइंटिस्ट हो तारिक। फतोश साहिबा, हम बॉब रोज के साथ बड़े हुए हैं। वो कौन है? बॉब रोज यार, तुम्हें नहीं मालूम? कौन था वो? अरे जो टीवी पे आके पेंटिंग करता है, वो बड़े बालों वाला। हाय याद आ गया, याद आ गया। हाँ, वो बड़ा अच्छा आदमी था बेचारा। हाँ, बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद था। और पता है मैं बचपन में सोचता था कि वो जो उसके बाल ब्रश जैसे बड़े थे ना, हाँ। वो उन्हें पेंट में लगा के फिर यूं ऐसे ऐसे करके अपनी ड्राइंग्स बनाता होगा, लेकिन मरहूम ने नहीं बनाई। अच्छा क्या नहीं बनाई, अच्छी नहीं बनती? हाँ यार, खैर हम हामसी को खत्म करते हैं।
लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक छोटी सी हामसी होनी चाहिए जो पेंटिंग में हमें जोर जोर से हाथ मिला रही है। ये ज्यादा छोटी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत जबरदस्त है, फिक्र नहीं करो तुम। वाह मैडम, साइंटिस्ट तो आप हो। मैं तो आपसे सीख रही हूँ सर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। शुक्रिया आपका। देखो वैसे इतना भी दूर नहीं था, मैंने वैसे ही कह दिया था शहर के बाहर है, लेकिन इतना दूर नहीं है। कल वो हमें खुद भेज देंगे, वो खुद डिलीवरी भी करते हैं। उन लोगों को ऐसा खुश करूंगी कि वो हमारी तारीफ में पेजेस लिख देंगे। जी मिसेस इकबाल। फरीद साहब, कंपनी में दमीर साहब से दुश्मनी रखने वाले एक शख्स का पता चला है। कौन है? उसका नाम है जलाल यलमाज। वो यहाँ कंपनी में ट्रक ड्राइवर था और एक बार उससे कंपनी में चोरी भी की थी और इसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया था। और उसके बाद दमीर साहब को उस पर अफसोस हुआ और काम पर वापस रख लिया, लेकिन उसने उसके बाद दोबारा चोरी की और फिर दमीर साहब ने उसे काम से निकाल दिया। तो क्या जलाल भी दमीर से गुस्सा हो गया था? जी बिल्कुल, सिर्फ गुस्सा ही नहीं, दमीर साहब को उसने गालियाँ भी दी थी, धमकियाँ देता रहा और कंपनी के हर एक शख्स को इस वाक्य का बखूबी पता है। कहते हैं कि वो बहुत गुस्सा हुआ था। मैंने एक जानने वाले के जरिए से उसका पता लगा लिया है। फरीद साहब, मैं तो कहती हूँ उसका नाम और पता पुलिस को दे देते हैं ताकि जलाल से पूछताछ शुरू हो। पता नहीं मिसेज इकबाल, वो मासूम हो सकता है। खैर आप मुझे उसका पता भेजें, मैं उसे बात करता हूँ। फरीद साहब, ये एक बहुत ही सीरियस मामला है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पुलिस पे छोड़ दें। मैंने कहा मुझे उसका पता सेंड करो प्लीज। मिसेज इकबाल ठीक कह रही हैं, पुलिस को उनका काम करने दो। मैं उस आदमी से मिलकर बात करना चाहता हूँ नाजली, वो ऐसा काम कर सकता है या नहीं मैं अपनी आंखों से देखूंगा। कोई जरूरत नहीं है ये करने की, पुलिस को उनका काम करने दो। ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, ये बहुत सीरियस मामला है, तुम नहीं कर सकते। नाजली तुम्हें एक टैक्सी करवा देता हूँ। मैं क्यों टैक्सी में जाऊँ? ये काम खतरे वाला है, इसलिए तुम यहाँ उतरोगी और मेरे साथ नहीं जाओगी, समझी? नहीं, दरअसल मैंने सोचा है कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी बात ठीक है, मतलब उस आदमी ने ये किया है या नहीं उससे मिलकर ही पता चलेगा हमें। मैं भी आती हूँ, वहाँ जाकर देखते हैं। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। मैं भी तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, माजरा चाहती हूँ। चलो लेट हो रहा है, चलो चलो अब चलो, बहुत देर हो रही है। उस आदमी का नाम क्या था वैसे? मैं कसम खा के कहता हूँ बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ मैं। फिर मुझे लड़कों ने रास्ते में बताया कि जलाल भाई नहीं मान रहे, तो मैंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं भाई, वो नहीं मानेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम क्यों नहीं मान रहे हो मेरे भाई? आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं ये काम नहीं कर सकता। आप मेरे साथ जबरदस्ती मत करें। यार कर लोगे, बड़े अच्छे से कर लोगे, सब यकीन भी कर लेंगे। आप मेरा यकीन करें, मैं तबाह हो जाऊंगा। देखो मेरी तरफ जलाल, ये हाल तो देखो, तुम पहले ही तबाह हो चुके हो। रही सही कसर तुम इनकार करके कर रहे हो, तुम पहले से ही खत्म हो चुके हो। घर में एसी नहीं है, गर्मी से मर रहा हूं मैं। मेरी बीवी और बेटी मेरे बिना क्या करेंगे? हाँ ये की ना काम की बात। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम चाहोगे तो तुम्हारी बेगम की जिंदगी जगह गुजर जाएगी। क्या तुम चाहोगे कि इस मलबे में तुम्हारी जिंदगी गुजरे? बताओ। भाभी के लिए एक बहुत प्यारा सा अपार्टमेंट ले लेंगे, हीटर वाला, और तुम चाहोगे तो एसी भी लगवा देंगे। भाभी के नाम पर होगा घर, कसम खाता हूँ मैं। भाभी को तनख्वाह देंगे महाना। तुम्हारी बेटी भी बीमार है, उसके इलाज का सारा खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। कहाँ है भाभी और बच्ची? कहाँ है? अनकरा में एक डॉक्टर के पास गए हैं वहाँ। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं उसे यूरोप भेजूंगा, वादा है मेरा। वहां से उनको जहाज में बिठाएंगे, वो भी बिजनेस क्लास, बड़े अच्छे तरीके से। मैं उन्हें यूरोप भेज दूंगा, बेहतरीन डॉक्टरों के पास, बेहतरीन अस्पताल में। बिल्कुल परेशान ना हो तुम, सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस तुम मेरी बात मान लो। और यहाँ भी हम तुम्हारा ख्याल करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए ज़हनी मरीज की एक रिपोर्ट बनवा लेंगे, कोई भी मसला नहीं होगा। और रिपोर्ट्स भी हम ले लेंगे, पागल होने की रिपोर्ट, मजे करोगे तुम।
यही जगह है। नाजली तुम कार में बैठो, बाहर मत आना। नाजली जरा सोचो तो सही तुम। हाँ कर दो जल्दी से भाई। फरीद असलान, क्या शुक्र है कि हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क नहीं की, क्या करें? जाओ गाड़ी को कहीं पिछली गली में लेकर आओ, छुप के जाना कोई देखे। ठीक है भाई, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ वहाँ। अब जो मैं कहूंगा वो करोगे, ठीक है? जलाल साहब। साहब बाहब नहीं, जलाल नाम है मेरा, बोलो। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात है, क्या बात करनी है तुमने मुझसे? देखो मैं तुम्हें जानता हूँ फरीद असलान, तुम्हारी कंपनी में काम करता था, लेकिन तुम्हारे पार्टनर ने मुझे निकाल दिया। बिला वजह निकाला था क्या? वो मेरी बात ही नहीं सुनता था। जॉब से निकालने के बाद तुमने डैमिर को धमकियां दी थी। हाँ बहुत गुस्सा था उस पर, तबाह कर दिया उसने मुझे, मुझे चोर बना दिया उसने, मेरी जेब खाली रह गई तो मैंने भी धमकी दे दी। झूठ नहीं है, मैंने सोचा डर जाएगा शायद। अंदर चलकर बात करते हैं आराम से। नहीं अभी मुमकिन नहीं है, तुम जैसों की यहां कोई जगह नहीं है। क्या धमकी दी थी तुमने डैमर को? मैंने सब कुछ गुस्से में किया था। धमकी देकर पछता रहे हो क्या? मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। घर में कोई बीमार है क्या? मेरी बेटी बीमार है, 5 साल की है, उसका इलाज चल रहा है, उसका इलाज बहुत महंगा है, इसमें झूठ नहीं, इसीलिए मैंने चोरी की, इलाज के पैसे बनाने के लिए मैंने ये किया। मैं अपना कार्ड रख रहा हूं यहां, मुझे कॉल करना, तुम्हारी बेटी का इलाज हो जाएगा। चलो नाजली। क्या सोच रहे हो? जलाल ने नहीं किया ये काम, मुझे यकीन है। मुझे भी यही लगता है। ठीक है वो दिखने में थोड़ा खौफनाक है, लेकिन वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आखिरकार उसकी बीमार छोटी बेटी है। और फिर उसे इस काम से कोई फायदा भी नहीं होना था, सिर्फ इंतकाम के लिए इतना बड़ा प्लान बनाना मुझे तो समझ नहीं आता नाजली। बात फिर हकान पे आ गई। इस काम के पीछे कोई और नहीं हो सकता, यकीनन उसने अपने हाथों से तो नहीं किया, किसी और को इस्तेमाल किया है, और मुझे वो आदमी चाहिए जिसको हकान ने इस्तेमाल किया। अरे तुम दोनों आ गए, खुश आमदीद।
तो फिर कैसा रहा, काम हो गए सारे? हाँ हो गए मनामी, बिल्कुल। तो आपके सामने पेश है ड्राइंग। बन गया। लो फिर, तो लीजिए। टाडा! ये तो कमाल है, टीचर को ये बहुत पसंद आएगी। एंगिन तुम्हें ये अच्छी लगी ना? हाँ सही है, एक 8 साल का बच्चा तो ऐसी तस्वीर बना सकता है ना। हाय, तो चलो जरा हम भी तो देखें कि एंगिन ने क्या बनाया है। लाओ जरा मुझे तो दिखाओ तुम, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसी पेंटिंग करता है एंगिन। चलो हम भी दिखाते हैं फिर। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं। तो फिर ये देखें। हाँ पक्की बात है। हाँ ठीक है, खोलते हैं। टडान! आ आ, ये तुमने बना, शौक लग गया मुझे तो। मैं भी हैरान हूँ। कसम से मैं भी शौक हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप में ऐसी सलाहियत भी मौजूद है। और ये सलाहियत लगता है कि ये आपको आपके बड़ों से मिली है विरसे में। आपके अब्बू की फैमिली यकीनन फ्रांस से होगी। नहीं यार, मैंने नहीं बनाई है, ऑफिस में एक लड़का काम करता है उसने बनाई थी। कैसी लगे बच्चे, प्यारी है ना? बहुत प्यारी है एंगिन अंकल, मुझे 100 मार्क्स मिलेंगे। बुलुत बेटा, लेकिन टीचर को ना ये तस्वीर देखकर पता चल जाएगा कि ये तुमने नहीं बनाई। बिल्कुल बुलुत साहब, मैं भी यही सोच रहा था। तस्वीर तो बहुत प्यारी है लेकिन इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं। लेकिन अब मैं क्या करूं फिर? तुम ऐसा करो कि हमारी वाली तस्वीर ले जाओ, पक्का बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ये तो बहुत प्यारी है। इससे तुम अब हाई स्कूल में इस्तेमाल कर लेना, जब तक संभाल के रखो। आज का दिन बड़ा फायदेमंद रहा। नाजली, तैयारी है कल के लिए? मेन्यू का मैंने सब कुछ सोच लिया है, चीजें भी ले ली हैं सारी, बस कल का खाना बनाना है हमें। ये एक बड़ा इम्तिहान है होटल के लिए, अगर इससे गुजर गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कल हमारे गेस्ट यहाँ आएंगे तो बहुत खुश होके जाएंगे। इंसान सबसे बड़ी गलती उस वक्त करता है जब वो खुद पर अंधा एतमाद करता है। मेरी बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, समझ गई। हाँ तारिक, मैं होटल में हूँ, यहाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरी जान आओ ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। हाकान, तुम फिर से कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? मैं तो अंदर, मैं उस गोदाम में तकरीबन पुलिस के हाथों पकड़ा गया था, जेल में फेंक दिया जाता। मैं उस गोदाम में तकरीबन मरने वाला था। मेरे साथ जिसने भी ये नमक हरामी, ये इंतहाई, ये गद्दारी की है, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये सब क्या है अब? बोलो भाई। हकान साहब के साथ एक डील की थी, इन्होंने कहा कि आपके साथ छोटा सा मजाक करना है, उसके बदले में मुझे काफी पैसे मिले, तो मैं भी मान गया। लगता है कि आप बहुत डर गई थी, रात को ख्वाब में भी आता है वो मंजर। हकान साहब ने कहा कि मैं आकर आपको सब कुछ बता दूं, तो फिर मैं यहाँ चला आया। अब पेंटिंग वाला काम तो खत्म हो गया। अच्छा, कहाँ है वो पेंटिंग? तारक भाई घर रख कर आए हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तस्वीर तुमने खुद नहीं बनाई थी क्या? टीचर गुस्सा होंगी तुम्हारी। हाँ मैं क्या करता, मदद के बगैर काम नहीं होता। चलो ठीक है, जैसे तुम कहते हो।
तुम्हारे लिए क्या बनाऊं मेरी जान? नाजली तुम जहमत मत करो, हम घर में खा लेंगे। बावर्ची ने कुछ तो बनाया होगा। मामा हम यही खाना खाते हैं ना, और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चूहे दौड़े हैं। ठीक है, मैं कुछ खाने का बना के लाती हूँ। तुम लकी हो, आज बहुत कुछ बना है। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें इनकार नहीं करेगी, इसीलिए उसको बोल रहे हो? हाँ जी हाँ। मैं शहर से बाहर था, अभी वापस आया तो यहाँ आ गया। मैं फिर से माजरत चाहता हूँ। आप देख सकती हैं मैं ठीक हूँ, गोली भी असली नहीं थी। खैर बिकर साहब, अभी से ले जाओ तुम, मैं बेगम को और परेशान नहीं करना चाहता। आ जाओ मेरी जान। जानम। हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। डैमिट मेरी जान, मैंने किसी को भी नहीं मारा है, तुम्हारी कसम, ना ही किसी को मारने का हुक्म दिया है। ठीक है कभी जिंदगी में गलतियां हुई हैं मुझसे, लेकिन आज तक, आज के दिन तक किसी को भी जान से नहीं मारा, और तुम्हारे साथ भी मजाक नहीं किया था, बल्कि तुम्हें डराना चाहता था। जब मुझे ख्याल आता है, जब मेरी जान तुमने मुझे रिपोर्ट किया था क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया था, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, समझी? मेरी जान, देखो मेरी जान, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के साथी हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचे। दिमित तुम कह तो रही हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। बात सुनो मेरी जान, देखो मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा बताया है कि मैं अभी मां बनने के लिए तैयार नहीं हूं, समझो? ये लो मेरी जान, लेकिन ये आखिरी है बस। इतने छोटे से पेट में जूस जाता कहाँ है? देखो सारे चावल ऐसे ही पड़े हैं, ये चावल भी सारे खत्म करने हैं। हाइट नहीं बढ़ेगी वरना तुम्हारी। क्या मतलब नाजली? ये बात अम्मी हमें कहती थी जब हम छोटे थे। तो तुम सारे चावल खा जाती थी? नहीं, मैं थोड़े चावल छोड़ देती थी। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे दो बच्चे हों? तुम छोड़ो इस बात को, कोफ्ते खा लो। मामू आप कितने बच्चे जाते हैं? तुम बहुत बड़ी बातें करने लगे हो, हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं क्या इधर? जी हाँ। मेरे लिए तो तुम ही काफी हो बोलत। सच कहूँ तो मैं चाहता था मेरी एक बहन होती, जैसे जान कार्टून में उसकी एक बहन है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं अकेला हूँ। बोलत ऐसी बातें मत करो, मुझे दुख होता है। एक लड़का एक लड़की? हाँ एक लड़का और एक लड़की, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। लेकिन अभी मेरा बच्चों के बारे में सोचने का बिल्कुल मूड नहीं है, मेरा दिमाग कहीं और लगा हुआ है अभी। क्या मतलब है? फूड क्रिटिक खाने के शौकीन और टेस्टिंग करने वाले लोग होते हैं। तो मैं भी वही हूँ। अच्छा मिस्टर फूड क्रिटिक, तो बताओ कोफ्ते कैसे लगे तुम्हें? कमाल का। चलो खाओ। वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू, मैं हाजिर हो चुका हूँ और मैं किसी का गिफ्ट लेके आया हूँ। मैं असल में, मुझे पता चला कि आप यहाँ के मैनेजर हैं, तो इसलिए मैं आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। और ये जो बच्चा है, ये इसके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है शायद, मुझे लगता है कि यही बच्चा है। अच्छा अच्छा, चलिए ये आपका गिफ्ट हुआ और इसके अंदर टेलीस्कोप है, समझे आप? चाचू ये कितना प्यारा है और बड़ा भी है। हाँ भाई बहुत बड़ा है ये। चांद तो दूर, इससे तो चांद की आंखें भी देखी जा सकती हैं। चलो इसे खोलते हैं। हाँ मगर ये मुनासिब जगह नहीं है टेलीस्कोप को इस्तेमाल करने की, इसके लिए तो ऊंची जगह होनी चाहिए, कोई छत वगैरह होनी चाहिए, है ना भाई? मुझे एक ऐसी जगह का पता है। हाँ भाई ये तो बिल्कुल सेट हो गई है। और जनाब अब मैं आपको मिलवाता हूँ ब्लूथ से, आइए ब्लूथ। ये तो बहुत प्यारा और बहुत बड़ा है।
थोड़ा और गौर से देखोगे तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान नजर आएंगे तुम्हें। डेनिस तुम बहुत बुरे हो। मामू मार्स कहाँ है? मार्स कहाँ है ये तो मुश्किल सवाल है, लाओ मैं देखता हूँ। आओ तुम देखो, जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वही मार्स है। ये तो बहुत चमक रहा है। क्योंकि ये दुनिया के करीब तरीन है और इसीलिए ये हमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। भाई मैंने तो अपनी जगह ले ही ली है वहाँ पर। क्या सच में? मैं भी आ जाऊँ? जरूर भाई, चलो खलाई मखलूक हमारे साथ फुटबॉल खेलेगी। डेनिस बच्चे से झूठ ना बोलो। बुलूत बेटा, ये जो तुम्हारे चाचू है ना, इनके ख्यालात बहुत वसी हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं। तुम उनकी बातों पर मत आना। वादा करती हूँ जिस दिन मार्स पे लोग आएंगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें साइंस पर यकीन है बहुत। साइंस ये बता सकती है कि कल क्या होने वाला है, दुनिया कैसे बदल रही है और कौन कौन बदल रहा है। नामुमकिन भी कभी कभार मुमकिन हो जाता है। लेकिन झूठे ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए, हकीकत पसंद रहने में ही फायदा है। हर वक्त हकीकत पसंद होना ठीक नहीं है, कभी ख्यालात भी अच्छे लगते हैं। मैं मानता हूं कि एक दिन मुझे सब कुछ मिल जाएगा। शुक्रिया तुम्हारा। आज तो ना मैं बहुत घबराई हुई थी एंगिन। क्यों? पता नहीं क्यों तुम्हारी दोस्तों से मिलूंगी ना, बस घबराहट हो रही है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे पागल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 5 ही तो लोग होंगे बस। यकीनन तुम्हें पसंद करेंगे वो। अच्छा ऐसा करो कि मुझे तुम अपने दोस्तों के बारे में कुछ बता दो, कहीं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठू मैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बस। वैसे मैं ऐसे मौकों पर कभी भी घबराती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सी कैफियत हो गई है, तुम नहीं समझोगे। फतोश तुम बिना वजह घबरा रही हो, और कोई बात नहीं है, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। लगता है आ गए। आ गए? आ गए वो। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। ठीक है जाओ। हाय कैसे बैठूं मैं? हाँ भाई, तो फिर पता चला कि मार्स कहाँ पर होता है और दिखने में कैसा लगता है। जी मुझे पता चल गया, मैंने सोच लिया बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनूंगा। भाई बहुत खूब, मतलब तुम स्पेस इंजीनियरिंग के हवाले से कुछ पढ़ना चाहते हो लगता है। स्पेस इंजीनियर क्या करते हैं? स्पेस में जाने वाले रॉकेट बनाते हैं। वो भी स्पेस में जाते हैं क्या? नहीं वो यहीं रहते हैं। फिर नहीं बनूंगा मैं एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जाऊंगा। मैं भी जब छोटा था तो कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात थी। मेरी भी। लगता है सारा खानदान स्पेस का दीवाना है। हाँ तो क्या तुम्हें नहीं पता कि सारी फैमिली जेटसन की फैन है यहाँ पर। तुम बचपन में क्या बनना चाहती थी? मैं? मेरा माइंड बदलता रहता था। कभी डांसर बनने का सोचती थी, लेकिन फिर जल्दी ही जहन बदल गया। फिर मैंने कहा टीचर बन जाती हूँ, फिर जहन बदल गया मेरा, सोचा बावर्ची बन जाती हूँ, उसको भी छोड़ दिया जल्दी से मैंने। फिर टैक्सी ड्राइवर बनने का सोचा, फिर मुझे अबू ने एक चप्पल मारी खींच के, तो फिर सोचा कि बावर्ची बन जाती हूँ फिर से, तो फैसले पर जमी रही। जवाब शेफ बन गई, वरना हमसे मुलाकात नहीं होती। हाँ ये तो है, अगर तुम ये पेशा नहीं अपनाती तो हमसे मुलाकात नहीं होती तुम्हारी। तुम तो फिर भी किसी तरह ढूंढ लेते। बुलुत बेटा क्या तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो? हकान अंकल ने मुझे बताया था कि मेरे मम्मी और बाबा बहुत दूर हैं, वो एक सितारे पर रहते हैं, मैं एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जाकर उनसे मिलूंगा।
दिलारा, ये सब बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। सच में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबान हो तुम। कोई बात नहीं एंगेल, नुमाइश में तुम्हें ये बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ले आई। शुक्रिया यार। ये बताओ तुम्हारी नई नुमाइश कब है? मतलब तुम मेरी पेंटिंग्स की बात कर रहे हो? दिसंबर में है, लेकिन उससे पहले लंदन में एक नुमाइश पे जा रही हूँ। थैंक यू। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, काश आप लोग भी आते। हाँ हम भी आ सकते हैं, कैसा रहेगा अगर फतोश के साथ चले जाएंगे? लंदन जाने का? चले जाएंगे, क्यों नहीं। ओनुर क्या कहते हो, चले एक साथ? बिल्कुल भी नहीं, दिसंबर में नामुमकिन है। क्यों फिर से डाइविंग पे जा रहे हो? जी हाँ, हम पूरे 1.5 महीने एशिया में जाकर डाइविंग करेंगे। न्यू ईयर के वक्त हम पॉकेट में होंगे, आप लोग भी आ जाए, ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। फतोश हम भी चलेंगे, वो बहुत खूबसूरत है, न्यू ईयर पे तो और भी खूबसूरत होता है, इतना नीला समुंदर बिल्कुल तुम्हारी आंखों के जैसा। चलोगी ना? चले जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। मैं बुलुत को बेड पर लेटा कर आता हूँ, कहीं सर्दी ना लग जाए। मैं भी होटल चलती हूँ अब। चलो मैं भी चलता हूँ, ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? ठीक है। मैं तुम्हें साइंस फिक्शन के कुछ नॉवेल ला देता हूँ जिनमें अनहोनी भी होनी हो जाती है। मेरा गैर हकीकी चीजों से कोई वास्ता नहीं है, तुम ही पढ़ो वो। ठीक है। नाज़ली मेरी कार नीचे खड़ी है, बस एक मिनट लगेगा उसे स्टार्ट होने में। ओके। टेलीपोर्टेशन इजाद नहीं हुई क्या आपके सैयारे पे? हमारे सैयारे पर तो है मगर दुनिया में नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। गुड नाइट। गुड नाइट। वो किस तरह का शादी का जोड़ा था, इतना बेढंगा भी हो सकता है भला इंसान? इनविटेशन कार्ड्स तो देखो, ये सब जल्दबाजी का नतीजा होता है। दिदन को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसी वक्त शादी करने का प्लान बना लिया। मैंने बर्ट से कितनी बार बात की, मैंने रोका उसे, लेकिन वो नहीं माना। पसंद आई तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत प्यारी है, अच्छी लगी मुझे। हाँ बल्कि ये बहुत ही गहरी, बहुत अच्छी है। मतलब? मतलब वो गहरा गहरा रंग, खुद में बहुत जानदार, बहुत ही ज्यादा कमाल सा लग रहा है ना, गोल गोल यूं ऐसे जैसे बना हुआ है, बहुत जबरदस्त है, अच्छा लगा मुझे। मुझे दरअसल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि कहीं उल्टी पेंटिंग तो नहीं लगी हुई है, लेकिन ये तो सीधी लगी हुई है, कैसी पागल हूं ना मैं भी। डियर, अगर यहाँ कोई चीज उल्टी है तो वो तुम हो। एंगेन ने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? क्या मस्तूरात? हाँ। क्या हो रहा है? बस यूं ही, मुझे ये बहुत पसंद आई, ये बिल्कुल मेरी जैसी है। हाँ फतोश, बहुत प्यारी है। अच्छा तो फतोश तुम क्या करती हो? फतोश ने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली है, वो एक बहुत अच्छी डिजाइनर बनने वाली है कुछ दिन बाद। लेकिन मैं अभी वेट्रेस का काम कर रही हूँ। एंगन तुम्हें किसी होटल में मिला क्या? नहीं, हम घूमने वाले ने दरवाजे में फंस गए। दरवाजे में? अच्छा है। उसे लगा कि झूठ है, मतलब कि ये लोग दरवाजे में फंसने वाली कहानी को झूठ क्यों समझ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत रोमांटिक लगती है ये बात, जैसे ही घूमने वाले दरवाजे की बात करो सब हंसने लग जाते हैं, सबके सब पागल लगते हैं मुझे तो। मेरी जान तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैं ठीक हूँ एंगन। हाय। क्या हुआ? यार एंगन, तुमने कभी खुद को किसी महफिल में खाली खाली महसूस किया है? हाँ यानी एक दफा हुआ था। कहाँ पे?
जब हम फ्री पास से गए थे ना वहां पर। बस मैं भी ना अभी खुद को कुछ ऐसा ही महसूस कर रही हूँ। ये है हमारा किचन। बहुत प्यारा किचन है, यहाँ पर तो बहुत कुछ है भाई। हाँ हमारे लिए बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ। बुराक तुम इसे रहने दो। तो फिर क्या करना है बता दें आप, मशीन फुल थी तो मैंने सोचा यहाँ आकर धो लूं। नहीं इतनी जहमत मत करो, तुम अभी नए आए हो, शुरू में तुम्हें इतना तंग नहीं करते। तुम अभी घर जाओ, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये एक बावर्ची खाने की खुफिया दुनिया है, मेरी राज किसी को मत बताना। हाँ, मैं भी इस जुर्म में शरीक होना चाहता हूँ। सच में? जी हाँ बिल्कुल, वो एप्रन कहाँ है? हाँ भाई ये लो, दस्ताने भी बहुत अच्छे हैं। मैं खुद लेके आती हूँ। चलो मैं फिर बर्तन धो देता हूँ सही तरह से। हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। तुम्हें तो आसान काम दिया है याने? डेनिस में निकाल दूंगी। लेकिन यार ये तो उल्टा था। कोई प्लेट मत तोड़ देना तुम। हाँ बुराक बोलो। अहमद मैडम, नाज़ली मैडम आई है अभी। उनके साथ डेनिस सर भी थे, मुझे छुट्टी दे दी है, मैं निकल आया हूँ। ठीक है, तो कल के मेहमानों के लिए जो मेन्यू था वो फाइनल हो गया क्या? जी हाँ वो फाइनल हो गया, अगर आप चाहें तो मैं आपको मेन्यू सेंड कर देता हूँ। वेरी गुड, तो फिर भेज दो मुझे, उसके बाद तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है आगे। ओह नाज़ली डियर, कल ये होटल का किस्सा तो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। Rüzgar bir yaprağı benim sindirdiğinde Patlayan bir yanardağ sönmez dur deyince Bıçak kadar keskin bir şey var içimde Nefesimizi bile keser Rüzgar bir yaprağı benimsin dediğinde Patlayan bir yanardağ sönmez dur deyince Bıçak kadar keskin bir şey var içimde Nefesimizi bile keser Pata nahin yar Nazli, ye jo bazu dikh rahe hai na tumhe, itne lambe lag rahe the us waqt mujhe, ye samajh nahin aa raha tha ki ye mere hi haath hai. Is maamle se mujhe kuch nahin lena Fatosh. तुम अपनी परेशानी मुझे बताओगी तो उससे क्या होगा? नहीं बता पाई, कैसे कहती भला उसे मैं? एंगिन दरअसल तुम ना बहुत ज्यादा अमीर हो और हम तो गरीब लोग हैं, तुम्हारे साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। नहीं यार देखो ऐसा कहोगी एंगिन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस से मुझे डर लगता है। अच्छा तुम्हें मेरे फाइनेंशियल स्टेटस से मसला है क्या बोलो? बहुत मुश्किल है फतोश, तुम ठीक कह रही हो। मैं सोचती हूँ कि एंगिन मेरे लिए ठीक है भी या नहीं। बस करो यार। आसुमान पागल हो गई हो क्या, क्यों चीजें तोड़ रही हो? तुम क्या पागल हो गई हो? क्यों क्या हो गया? मैं बताती हूँ क्या मसला है। एक आदमी अमीर है, प्यारा भी है, तुमसे प्यार भी करता है, तुमसे शादी भी कर लेगा, लेकिन तुम हो के पागलपना कर रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें। यार तुम्हें क्या पता कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ मैं ही तो पागल हूँ यहाँ, एक तुम ही समझदार लड़की हो, एक ऐसे लड़के को छोड़ रही हो जो इतना काबिल है, तुम्हें बहुत चाहता है। इस तरह के लड़के लड़कियों के लिए आइडियल होते हैं। और एक आसुमान, आसुमान तुम्हारी क्लास नहीं है क्या आज?
हाँ है, खाना खा के जा रही हूँ मैं। चलो उठो, बहुत खा लिया तुमने, तुम्हारी क्लास के लिए लेट हो रहा है। चलो जाओ यहाँ से, कल की तरह वहाँ जाकर मुझे पिक्चर भेजना। चलो ठीक है, मैं एक हल बताती हूँ तुम्हें, सॉल्यूशन देती हूँ। रुको एंगिन, मेरी माली हालत, मेरी माली हालत से कोई मसला हो सकता है क्या? आइए। हेलो फरीद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है दैमित? जल्द ही बहुत सारी बातें करेंगे। देखो, मुझे नहीं लगता कि हकान ने ये काम किया होगा। ये सोच तो तुम्हारी है दैमित, तुम अपने प्यारे हस्बैंड को मुजरिम नहीं समझती। मेरा प्यारा हस्बैंड? हाँ, तो उसको तुम लोगों ने ही मेरा प्यारा हस्बैंड बनाया था। ये तुम्हारी चॉइस थी दैमित, अभी तुम वही जिंदगी जी रही हो जो तुम्हारी चॉइस थी। नहीं, ये मेरी चॉइस नहीं थी। जब तुमने मुझे ठुकराया था तो सिर्फ तुमने ही नहीं बल्कि सारी फैमिली ने ठुकराया था। जो भी हुआ था वो तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ था। इतनी बार कहने के बावजूद भी तुम अपनी मर्जी करती रही, मेरी गलती नहीं। गलतियां? मेरी गलतियां? ठीक कह रहे हो, ये सब मैंने ही किया है ना। लेकिन जानते हो फरीद, जब मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी तो उस वक्त मेरे साथ सिर्फ हकान खड़ा था। ये मेरी चॉइस नहीं थी। मैं दूसरों के इंतखाब को जिंदगी समझ के जीने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा करना कितना मुश्किल है तुम्हें अंदाजा है? मेरी चॉइस तो सबके सामने थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात कब सुनी? हर बार मुझे खुद से दूर किया, धक्का दिया मुझे तुमने। हालांकि मैं तो सिर्फ एक चांस मांग रही थी, अभी भी मांग रही हूं। हादसे वाला मसला होने तक मैं किसी को चांस नहीं दे सकता। वाह यार तारिक, कहां से मिला तुम्हें ये गिटार? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे यहाँ वहाँ एक पुरानी दुकान है, वहाँ से गुजरते हुए देखा और अपने जहन में फीड कर लिया। वापसी पर मैंने ले लिया, लेकिन ये उसके ऊपर की लिखाई और लोगो मुझे याद था, कोई ब्रांड लगता है मुझे। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा पीस है। मैं भी बहुत दिनों से अपने लिए गिटार ढूंढ रहा था यार, आज मिल ही गया आखिर। तारिक थैंक यू यार। कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है कि इसकी आवाज़ आखिर कैसी निकलेगी, क्योंकि ये काफी पुराना है और इसके मालिक ने इसका ठीक तरीके से ख्याल भी नहीं रखा। लेकिन आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, उम्मीद है ठीक काम करेगा। हाँ देख लेंगे, कोई इशू नहीं। वैसे भी आवाज़ अगर कोई खास ना भी हुई तो सजा लूंगा अपने पास। थैंक यू यार। अरे कोई बात नहीं है भाई। अरे कुछ पीना पसंद करोगे तुम? अरे नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया डैनियल साहब। अरे पियो यार, मेहमान हो मेरे। तारिक तुमसे एक खास बात मालूम करनी थी मुझे यार। तुम्हें कोरियर के हवाले से कुछ पता है क्या? कोरियर मतलब? पता है, लेकिन सर आपको क्या मसला पड़ गया? यार कुछ दिनों पहले मैंने इंटरनेट के जरिए माइक्रोफोन लिया था एक, आज उन्हें मैंने कॉल की तो वो कह रहे हैं कि आज आएगा, आज भेज रहे हैं। अब मुझे गुस्सा आ गया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे बताओ वापस कैसे करूं? आप चाहते हैं कि उसे वापस कर दिया जाए? ये तो बहुत आसान है, आप भेज सकते हैं, लेकिन भेजना क्यों है? अब इतना इंतजार किया है तो आप रख लेना, आ जाएगा। लेकिन यार मुझे काम से बाहर जाना है। ऐसा करते हैं, आप चले जाओ, मैं इंतजार करता हूँ। सच में तुम इंतजार करोगे? जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं। मैं वैसे भी आज के सारे काम निपटा चुका हूँ, अब यहाँ से सिर्फ कंपनी जाना है। बिना वजह बैठने से अच्छा है कि यहीं बैठ जाता हूँ। वो वैसे भी कोई नाजुक सी चीज है, अगर दरवाजे पर रख दिया तो खराब हो जाएगी, फिर वारंटी क्लेम करने के लिए भागना पड़ेगा। तो फिर कर लोगे ना इंतजार तुम? मैं इंतजार कर लूंगा, मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको भी कोई मसला ना हो तो। मुझे क्या मसला होगा, ये तो तुम्हारा अपना घर है मेरी जान। मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ, थैंक यू। और हाँ, वो कॉफी की मशीन रखी है और साथ में फ्रीजर में खाना भी रखा है, दिल करे तो खा लेना। ओके नहीं शुक्रिया, यही काफी है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। जी जरूर, आप भी बेफिक्र होके जाएं। ये तो फिर जाया हो जाएगी।
मैं इसे बाद में पी लूंगा। चलो दोस्तों स्पीड से काम करो, जल्दी लेके आओ जल्दी, मुझे आवाज नहीं आ रही, प्याज कहाँ रखी है? पास्ता तैयार है क्या? रायता कहाँ रखा है? पास्ता आ गया। कच्ची मिर्ची कहाँ रखी है? कितने मिनट हुए? कितने मिनट हुए? हाँ, 10 मिनट 48 सेकंड। 48 सेकंड्स तुम्हारी वापसी में लगेंगे। 10 मिनट 48 सेकंड में बीफ सॉसेज और थाई पास्ता तैयार किया है। दोस्तों कमाल कर दिया तुम लोगों ने, बहुत आला, जबरदस्त। बहुत प्यारा है गिटार, बहुत ज्यादा प्यारा है, कमाल का है। ओ, 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 ये क्या है मेरे दोस्त? लगता है बचपन वापस आ गया है। ओह, ओह, ये साइकिल कैसी है? लगता जगह नहीं है जो दीवार पर लटका दिया। अल्लाह, ओहो, ये तो खत्म हो चुकी है, चर चर कर रहा है, ऐसे तो ये बाहर निकल आएगा। इस घर में घी नहीं है क्या? होगा यार। बुलुत आज रात भी तुम्हारे पास रहेगा क्या? हाँ, जब तक केस हल नहीं हो जाता मैं हकान के पास नहीं भेजूंगा उसे। मुझे लगता है हकान मासूम नहीं है। तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रह सकता? आज रात मेरे पास रहने दो उसे। मेरे पास उसकी जरूरत का सब कुछ है। मैं भी खरीद लूंगा सब कुछ। उसका कमरा तैयार है यहाँ। ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे ख्यालों से यही रहने दो। ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेते हैं यार। एक कार पार्किंग से खबर मिली है, तैमिर के हादसे के दिन जहाँ कार खड़ी थी उस पार्किंग से। पहले उन पार्किंग वालों से बात नहीं हुई थी क्या? ये वो नहीं, ये दूसरी कार पार्किंग है। तैमिर उस दिन घर जाने से पहले जल्दी में किसी शॉपिंग सेंटर गया था, मतलब अभी पता चल रहा है हमें। उस दिन वहाँ पर एक गार्ड ने कार के नीचे लेटे एक आदमी को देखा था। तो फिर उसे किसी पर शक है या नहीं ये बताओ मुझे। उसे शक भी हुआ था और उसने जाकर पूछा भी था, तो जवाब ये आया कि उसके बच्चे का खिलौना गिर गया है। आदमी कार की तस्वीर देखते ही एकदम से चौंक पड़ा था, याद आ गया था उसे। कोई वीडियो वगैरह है? बिल्कुल नहीं, बदकिस्मती से ये रोड के साथ वाले शॉपिंग सेंटर के पास बड़ी खुली जगह है, कैमरा नहीं जाता वहां तक, और उनमें से कई कैमरे खराब भी हैं, लेकिन फिर भी सबको देखना होगा। ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेज दो, मैं चेक करता हूँ। वो आदमी कहता है कि देखते ही पहचान गया था, गंदुमी रंग, दाढ़ी बड़ी हुई है, कद भी बता रहा था, लेकिन किसे पता, शक्ल कौन जानता है उसकी। रसूल भाई, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने तुम्हारा सुराग लगा लिया है। भाई अब क्या कर रहे हैं? अब क्या करूंगा मैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे बचाएंगे। तुमने ही कहा था कि काम ढंग से करोगे और हादसे के बाद कोई निशानी नहीं बचेगी। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। भाई ऐसा ना करे, क्या करूंगा मैं? रसूल, मैंने तुम्हें क्या बोला था? एहतियात से रहना। अगर एहतियात नहीं की तो तुम फंस जाओगे, तुम फंस जाओगे तो तुम फंस जाओगे। उस वक्त मैं तुम्हारी नस्लें खत्म कर दूंगा, कहा था ना। अब मैं पिस्टल निकाल कर यहां तुम्हारे सर में गोली मारूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी में से बेलचा लेकर यहां तुम्हें दफन कर दूंगा, कब्र का मंजर दिखेगा। हाँ ऐसा करूं? हाँ भाई प्लीज। मजाक कर रहा था। अरे तुम तो जानो हमारी,
तुम तो जानते हो हम अपने आदमियों को धोखा कभी नहीं देते, कसम से। अब मेरी बात सुनो, मामलात खराब हो रहे हैं, तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है, तुम्हें दूसरे मुल्क भेज देते हैं। मैंने अपने एक आदमी से बात की है, उसे पैसे वगैरह दे दिए हैं, ठीक है? बीकर ये पैसे लो, दूसरे मुल्क जाओ और जाकर मजे करो। अल्लाह आपको खुश रखे भाई। बस बस बस, कोई बात नहीं, मेरी बात गौर से सुनो। तुम यहाँ से सीधा उस आदमी के पास जाओगे, ठीक है? और कहीं भी नहीं जाओगे, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं, समझ गए? यहाँ से सीधा बीकर के दिए हुए पते पर जाओगे तुम, और फिर वहां से दूसरे मुल्क जाओगे तुम। चलो अब। हाँ हाँ, खुश रहो, शाबाश, जाओ जाओ। उफ, शुक्र है अब तो पहले से भी बेहतर हो गया। चाय तो बनती है अब। लगता है आ गए। आ गया जनाब। तारिक, अच्छा इत्तेफाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ, वो डैनी साहब, उनका कोई कुरियर घर पर आना था और उन्होंने कहीं अहम काम से जाना था और उनकी जगह मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर के छोटे मोटे मरम्मत के काम निपटा लूँ। सारे मसले हल कर दिए मैंने। तुम्हारे जैसा आदमी हर घर में होना चाहिए। मैं भी कैमरा भूल गई थी यहाँ पर अपना, इसलिए वो लेने आई हूँ। खुश आमदीद, आइए। ये क्या हुआ भाई? अरे ये क्या हुआ यहाँ? आलिया मैडम, वो पियानो का कवर खराब हो गया था, मैंने फिर वहाँ से शुरू किया और पूरे घर की खराब चीजें ठीक कर दी। हाँ हाँ, जो नजर आई मुझे। अच्छा किया, डेनिस बहुत खुश होगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है कि ये बॉक्स कब से टूटा हुआ था? जानता हूँ जानता हूँ, थोड़े दिन पहले आया था तो देखा था, मुझे भूला नहीं, ये आज ठीक कर ही दिया बिलाखिर। तारिक तुम तो कमाल के आदमी हो यार, बहुत स्वीट हो तुम। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तुम शर्मा रहे हो है ना? उम्मीद करती हूँ तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसे तुम्हारी कीमत का पता हो, वो जो तुम्हारी आंखों की चमक को पहचान सके। इंशाल्लाह, आप क्या कह सकते हैं, बस किस्मत। जबान की खूबसूरती को इस्तेमाल कर रहे हो तुम भी। अगर किसी चीज के बारे में इल्म ना हो और नतीजे का ना पता हो तो किस्मत पे डाल दो। नहीं यार, मतलब आप बताइए, ऐसा नहीं है, मतलब किससे मिलूंगा मैं? वो शख्स हमें कितना प्यार करेगा ये किस्मत ही जानती है, सब किस्मत के खेल हैं। ऐसी बात है? पता नहीं, मुझे तो यही लगता है। मेरी नानी कहती थी कि तारिक, जब तुम किसी को चाहते हो दिल से तो उसको सच्चे दिल से चाहो। मैं भी वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं किसी को भी चाहता हूँ उसको सच्चे दिल से मांगता हूँ, मतलब मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे, बाकी जो कुछ भी हो देखा जाएगा। किस्मत। हाँ बिल्कुल किस्मत। हाँ शायद कोरियर आ गया। फरीद साहब, आज ऑफिस के फोन पर बिना नाम बताए एक पैगाम आया है। लेकिन पुलिस को ये सब कुछ कैसे पता चला? उनके दिमाग में आ गया होगा शायद फोन बूथ का। ये जलाल नामी शख्स ने किया है क्या? ये कह रहा है फोन वाला? हाँ पहले भी जानता था लेकिन डर के मारे बताया नहीं। आपको जलाल का पीछा करते देखकर और उसके घर तक जाते देखा तो उसने सोचा कि हकीकत बता देनी चाहिए। ठीक है, सब सूरत हाल पुलिस को बताते हैं। मेरा मानना है कि ये काम जलाल ने नहीं किया। फरीद, पहले पुलिस को अपने तौर पर जांच करने दो। फरीद रुक जाओ। मेहमत बोलिए। खुदा के लिए कुर्सियां सीधी रखो और ये मेन्यू भी मेज पर मत रखो, जब कहा गए तब देना। फतोश, क्या हुआ है? मैं चाहती हूँ कि ये रिजर्वेशन कैंसिल हो जाए। हाय ऐसे मत कहो यार नाजली, ये हमारे लिए बहुत अहम मौका है, हमें इसे जाया नहीं करना चाहिए यार, समझो तुम बात को। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मेरा कोई बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मेरा एग्जाम किसी भी तरह कैंसिल हो जाए। तुम्हें ऐसी बातें सेब नहीं देती यार नाजली, तुम एक प्रोफेशनल इंसान हो, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो।
मुझे लगता है मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। खैर तुम ठीक कह रही हो, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, मतलब एक रिजर्वेशन और आनी चाहिए, बल्कि एक और खाने की एक माहिर नहीं पांच आ जाए। बिल्कुल ठीक बात। लेट्स गो। नाजली शेफ, हमारे मेहमान आ गए हैं। यस, आ गए वो। एडम साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाजली। आइए आइए अपनी टेबल। आइए चलिए। आइए प्लीज, इस तरफ आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। बुराक, मेहमानों का मेन्यू दो जरा। ये लीजिए सर। दरअसल हमारा ऑर्डर डिसाइडेड है, डेमी ग्लेस बीफ सॉसेज। हमने इसके बारे में बहुत सुना है। आपका बहुत शुक्रिया। उससे पहले क्या मैं आपके लिए चीज टेम्पुरा लेके आऊँ? पूछने की जरूरत नहीं है, आज आप हमें जो भी खिलाएंगी हम खाएंगे। आप शेफ हैं, खुद को मनवाओ आज। बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। Enjoy. तो दोस्तों, हमारे मेहमान आ गए हैं। जैसा कि हमने सोचा था, 20 सॉसेज ऑर्डर किया है, चार लोग हैं। पहले टेम्पुरा लेके जाएंगे। हमने हजार बार ये खाना बनाया हुआ है और हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है। हम इसे बहुत अच्छा बनाते हैं, आपने परेशान नहीं होना है। फिर मिलकर कहो हम ये कर लेंगे। चलो चलो जल्दी करो, चेंज करो इसका। ग्रिल गरम क्यों नहीं हुई? आएंगे। फरीद, पुलिस वहाँ पहुँच रही है, उनके आने से पहले किसी से भी बात मत करना, ठीक है? हाँ ठीक है एंगन, मैं सही करूँगा। जलाल, जलाल जलाल, जलाल क्या हुआ है? कौन थी आदमी? वो आदमी रसूल है, कार को खराब करने वाला। तुमने उनसे ये काम करवाया था? नहीं, आ, 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 आ,
बुराक रुको, कहाँ जा रहे हो? ऐसे नहीं जा सकते। पहले मैं चेक करूंगी फिर जाओगे तुम। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। चलो गुड लक। थैंक यू मेरी। चलो जाओ, गुड लक। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सब बताया जा रहा है कि एक आदमी पीछे की तरफ से भागता हुआ दिखाई दिया गया है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बस हो गया एसएचओ साहब, मसला हल भी हो गया। पसुलो होल्डिंग का पुराना नौकर जलाल येलमिस, लगता है उसने रसूल को इस्तेमाल किया था। जब हम उनका पीछा करने लगे तो वो घबराहट में लड़ने लगे और फिर पिस्तौल निकाल कर गोलियां चलाई और एक दूसरे को मार दिया। ठीक है एसएचओ साहब, कमीने बदमाश। तो ये मसला है ऑफिसर, इस केस को ऐसे खत्म कर दोगे? केस कैसे खत्म होगा पता नहीं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिपोर्ट में क्या लिखूं। सर दो मिनट में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दो कमीने बदमाशों की वजह से मुझे बहुत बातें सुनना पड़ी हैं। मुझे बहुत सारी बातों का मुजरिम ठहराया गया। मासूम लोगों पर कीचड़ उछालना कितना आसान होता है, हैं? क्या हुआ बोलो, अब कौन सा इल्जाम लगाओगे मुझ पे? बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई कसूर नहीं है। फरीद ठंडे हो जाओ, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, आप लोग जाइए। एदिम साहब, मुझे लगता है कोई गलती हो गई है। मैं टेम्पूरा में कभी नमक नहीं डालती, पनीर में ही नमक मौजूद होता है। मैं खा नहीं पाया नाजली मैडम, देखो सब कुछ ऐसा ही रखा है। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे दोस्तों ने भी नहीं खाया है। कह दो कि किचन में कोई मसला हो गया था, लेकिन दूसरा खाना भी बदजायका था। एदिम साहब, ऐसा करते हैं, मैं सब कुछ फिर से तैयार कर देती हूँ। जरूर किचन में कोई ना कोई मसला हुआ होगा। नाजली मैडम, प्रोफेशनल लोग अपनी घबराहट को अपना काम बेहतर करने में इस्तेमाल करते हैं, उनके नीचे दब नहीं जाते। अगर ये गलतियाँ घबराहट की वजह से हुई हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप और आपके दोस्त प्रोफेशनल नहीं हैं। और अगर कहो कि घबराहट नहीं थी तो आपकी काबिलियत ही सिर्फ इतनी सी है। मुझे लगता है कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए। हैव अ गुड डे, चलते हैं। ये कैसे हो सकता है, कैसे? तुम टेंशन मत लो। फिर मिलेंगे मामू। इंशाल्लाह बेटा। चलो अब चलते हैं बुलुत बेटा, तुम्हारे लिए एक नई कार ली है, वो दिखाता हूं। आ जाओ। हक्कान अंकल ने नई कार ली है, आओ वो दिखाता हूं तुम्हें, चलकर देखते हैं कैसी है। शाबाश। शुक्रिया फरीद। शुक्र है तुम ऐसे मुकाबले में नहीं पड़े जो तुम नहीं जीत सकते। शुक्रिया के मुजाहमत ना दिखाकर हमें अदालतों में नहीं घसीटा, बहुत शुक्रिया। बुलुत तंग ना हो बस इसलिए, नहीं तो मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। ये बात है। देखो आज के बाद बुलुत के स्कूल की रूटीन की वजह से
तुम्हारी मुलाकात अदालत की इजाजत के मुताबिक करवाया करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। तुमने हमारी अच्छी नीयत को गलत इस्तेमाल किया। Damn it! अगर तुम बास ना आए तो और हाकान पर लगाए गए इल्जामात और उस पर हमले के सबूत पेश कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा बुलुत से मिलना बिल्कुल बंद करवा दूंगी। ये याद रखना तुम। जो चाहो कर लो तुम। फरीद देखो, हाकान और मैं एक फैमिली हैं और बुलुत हमारे बेटे जैसा है। तुम इस बात को कबूल कर लो तो अच्छा है। बुलुत हमारी मर्जी के मुताबिक जिएगा, समझे? दमित, दफा हो जाओ। ये छोड़ के आऊं तुम्हें? इतने शौक से जो मैंने बीफ सॉसेज का ऑर्डर किया था, उसका जायका इतना गंदा था कि मुझे वो भूलना नामुमकिन है। वाह एडम साहब, वाह! हर कोई हर काम में कामयाब नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी अच्छा बिजनेसमैन हो। फरीद असलान जिन ना अहलों के साथ जिस रास्ते पे निकले हैं, उस रेस के पहले ही हिस्से में मात खा जाएगा। मेरा ख्याल है हारने से पहले इस रेस से निकल जाओ फरीद। मेरा भी यही ख्याल है फरीद। आयशा, आयशा मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी कॉफी बना के लेके आओ। मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। पढ़ के मजा क्या, इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ। तो क्या लिखा है? मुझे बहुत पसंद आया बिजनेसमैन ना अहल लोग। नाजली मेरी जान, ये लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद खाना टेस्ट करके भेजा था। समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ की। ऐसा खाना हर वक्त बनाती हूँ मैं। यार नाजली, एक बुरे कमेंट से कोई हमारा होटल तो बुरा नहीं हो जाएगा ना? उनके कमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं। फरीद साहब के दोस्त उस आदमी के फॉलोअर हैं। पता नहीं इस गलती की तलाफी कैसे होगी अब। नाजली, तुमने वो कहावत सुनी है, अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा दोस्त हो तो कोई रास्ता लंबा नहीं होता। और देखो ना, तुम्हारे पास दो दोस्त हैं, तुम परेशान मत हो। मुझे फखर है तुम दोनों पे। तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या करती। एक हजार एक, एक हजार दो, एक हजार तीन, एक हजार चार, एक हजार पांच। मेरे घर पर किसी ने दावा नहीं बोला, किसी ने मुझे मुक्का नहीं मारा, किसी ने झूठा इल्जाम नहीं लगाया। इसका मतलब है आज रात बड़े ही सुकून से गुजरेगी। हम सबको बेहद सुकून की जरूरत थी। बिल्कुल, हम थोड़ा मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। खैर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारी दावत को तुमने ठुकराया नहीं, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। वेलकम करते हैं तुम्हें। बलूच से भी मिल लिया, अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, अब बात शुरू करूं क्या? बिल्कुल। हम सच बताऊं तो आज रात तुमसे एक बात करना चाहते थे। हम तुम्हें यहां बुलाने की एक खास वजह है। तुम्हारे लिए खास ऑफर है हमारे पास। इसका मतलब है कि दबाव में आकर मैं गलती कर देती हूँ, पैनिक हो जाती हूँ। अब से पहले कभी इतनी जिम्मेदारी नहीं उठाई मैंने। ऐसे कोई किचन नहीं चलाया मैंने। इसका मतलब मैं अभी तैयार नहीं हूँ। नाजली बात सुनो, ये खौफ ना अपने ऊपर से उतार फेंको तुम, फिर तुम्हारी सलाहियत तुम्हारे सामने आएगी मेरी जान, समझी तुम? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फरीद। नाजली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
मुझे पता है बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। नाजली, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, जाती अकेले में बात कर सकते हैं? तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया मुझे अच्छे से समझ आ गया है। ये कैसी ऑफर है, क्या कह रहे हो तुम लोग? मेरी जान, आप कह रहे हैं कि बुलुत तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाए, तुम कंपनी में अपने वोट का हक हमें दे दो। वो मुझे समझ आ गया है, फरीद और एंगन ने जो वोट दिया था वो सही था। अगर मैंने आपको वोट दे दिया तो 100 में से 70 वोट का राइट, मतलब कंपनी के साथ जो चाहे कर सकते हैं आप लोग, मैं गलत तो नहीं कह रहा? एक मिनट, सुकून से काम लेते हैं। देखो ये तो एक हकीकत है, ये तुम्हारे पास हो या किसी और के पास, ये हकीकत तो नहीं बदल सकती। लेकिन एक बार इस बात को इस एंगल से देखने की कोशिश करो। तुम ऑफिस तो जाते नहीं हो, और ये काम तुम्हें पसंद नहीं है, हिसाब किताब से तुम्हारा क्या लेना देना? तुम एक फनकार आदमी हो, तुम्हारी जिंदगी में और बहुत चीजें हैं। और ये कि फरीद अस्लान क्यों तुम्हारे वोट का इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी बहन मौजूद है यहाँ, तुम्हें किस बात की फिक्र? जब चाहो तुम उससे हिसाब भी ले सकते हो। और फिर ब्लूत तुम्हारे साथ रहेगा, उसके साथ वक्त गुजारना, हंसना खेलना, तुम्हें उसकी याद नहीं आती क्या? हाँ, ब्लूत तो याद आता है। चलो फरीद से मुझे कम से कम एक चीज तो मिली। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। हाकान ठीक कह रहा है, ये कंपनी, ये पैसे, ये सब तुम्हारे टाइप की चीजें नहीं है, ये सब के सब फरीद के मसाइल हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या चाहते हो। नाज़ली, तो मतलब ये कि बुलुत तुम्हारे साथ रहेगा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नाज़ली को अक्सर औकात मिलने का मौका मिलेगा तुम्हें, फरीद के बजाय तुम्हें मिलेगी वो आके। डेनिस, देखो मेरी जान, हमारा असल मकसद फरीद को जलील करना है। उसको ऐसे लगता है जैसे वो सब कुछ जानता है। और अगर तुम भी नाज़ली के करीब होना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। क्या कहते हो फिर? बुलुत को ले गए, लेके चले गए हैं वो लोग उसको, और मैं कुछ नहीं कर पाया। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकता नाज़ली, मैं क्या करूं, मैं हर बार के हारने से थक गया हूं नाज़ली। मैं आसुमान, हमारी वजह से ना, मुजरिम हो तुम लोग। बुलुत अगर आज उस कमीने के घर है तो उसमें तुम्हारा भी कसूर है। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? मेरे लिए एक चीज बहुत अहम है, वो है बुलुत। बुलुत का भी उस कातिल के घर में होना मुझे पागल बना रहा है।
लेकिन मुझे हारना पसंद नहीं नाजली। बुलेट को वापस लाऊंगा मैं, ये करके रहूंगा मैं। कैसे करोगे? वो लोग भी बुलेट की फैमिली हैं, ये कोर्ट का फैसला है। मेरी एक मदद करोगी? कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो।